हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम सोसाइटी के और सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम अभी इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ थे उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये सितंबर मंथ के इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे, उनको कवर अप करेंगे। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, हम सितंबर मंथ से जो है अभी अपनी लाइव जो है ये करंट अफेयर शो को स्टार्ट कर चुके हैं। और आप जो लोग जुड़े हुए हैं इस इनिशिएटिव के साथ, उन्हें पता होगा कि दोस्तों, हम जो है अब तक इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट और पॉलिटी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम साइंस एंड टेक और जियोग्राफी का भी सितंबर मंथ का करंट अफेयर को डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, अब इस इनिशिएटिव में आगे बढ़ते हुए हम इंटरनल सिक्योरिटी से अब स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम ओनली आईएएस चैनल से जो है अपनी डिजिटल तौर पे जो है पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। और यहीं से दोस्तों, जो भी गूगल के थ्रू हमको इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलता है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 में कितनी आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस इनिशिएटिव में इसके अलावा भी हमने जो है एक इंस्टा टेस्ट सीरीज, जो कि इनसाइट्स ऑन इंडिया के द्वारा चलाई जाती है दोस्तों, उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। उसका एक टेस्ट है जो कि आप जा करके देख सकते हो कि उस टेस्ट के साथ में अब हम जो उनके 70 टेस्ट की सीरीज चलने वाली है उसको डे बाय डे देना शुरू करेंगे। और फिलहाल तो दोस्तों, हम अभी इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आज की ही दिन, मतलब आज 21 अप्रैल 2021 हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है यार आज तो, 21 अप्रैल, ठीक है, 2021। तो दोस्तों, आज दो करंट अफेयर के डिस्कशन होंगे, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का और दूसरा सोसाइटी का। जो मिसलेनियस करंट अफेयर है उसको हम अभी के लिए छोड़ देंगे दोस्तों, उसको हम बिल्कुल आखिर में बाद में करेंगे। और उसके कुछ ही सेक्शंस होते हैं जो काम के होते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम डिस्कशन को शुरुआत करते हैं और हम अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर लेते हैं। ये ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये डिस्कशन लंबा होने वाला है। इंटरनल सिक्योरिटीज़, ठीक है दोस्तों। तो ये सितंबर मंथ का हम इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को देख रहे हैं। हम अपना जो लिंक है इसका, इस वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के लिंक को भी शेयर कर देते हैं टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ओनली आईएएस का ही जो करंट अफेयर का जो उनका पीडीएफ है सितंबर मंथ का, हमने ओपन कर लिया है अभी। और इस पीडीएफ का आपको जैसा कि पता ही होगा अगर आप पिछली वीडियोस को देख रहे हैं, तो हम इन पीडीएफ्स का यूज़ करते हैं और इसमें हाईलाइट करते हैं। इससे हमारा जितना भी रिटर्न वर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है, हमको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को करते हुए चल रहे हैं अब तक। और हम जल्दी से जल्दी, अब चूंकि 67 डेज का ही टाइम बचा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तो हमको अपनी पेस को अब और ज़्यादा बढ़ाना होगा और इसके ऊपर और ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों,
आज हम डिस्कशन में जैसे कि बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो हम जो है उस सेक्शन पे चलते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर 91। तो दोस्तों अभी हम पेज नंबर 91 पे इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज पे आ गए हैं। अब इसमें एक एक करके हाईलाइट करेंगे। सिक्योरिटी जो है दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी होती है जो कि हमारे बॉर्डर्स पे होती है, दोनों इम्पोर्टेंट होती है। तो इंडिया काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करता है, नेवी हो चाहे एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हों या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों, तो इंडिया कई तरीके की एक्सरसाइजेस करता है। और ये एक्सरसाइजेज जो है डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं जिसको भी हम जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम गूगल अर्थ जो मैप होता है, गूगल मैप से होता है दोस्तों, उसका यूज़ करेंगे और उसके थ्रू बेटर तरीके से लोकेशंस को देखेंगे और मैप की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अभी डिस्कशन शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं इस वीडियो से। हाँ आईएएस, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभ्यास एयर व्हीकल के बारे में। हाल फिलहाल में अभ्यास का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ओडिशा के बालासोर वाले जगह से ये इंटरिम टेस्ट रेंज यहाँ से अभ्यास का किया गया। अभ्यास एयर व्हीकल के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का अनमैन्ड एयर व्हीकल है या फिर ये एक प्रकार का ड्रोन है। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट डीआरडीओ के द्वारा। इसके अंदर एक छोटा सा गैस टरबाइन इंजन भी है। बेसिक पर्पज़ की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अभ्यास मतलब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने की बात हो रही है, तो जो भी हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स को अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम देखेंगे ना कि वो किसी चीज़ को अगर हम टारगेट करते हैं तो क्या वो अच्छे तरीके से टारगेट कर पा रहे हैं, उसको नष्ट कर पा रहे हैं क्या मिसाइल। तो ऐसे मिसाइल सिस्टम को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, तो उनके लिए अभ्यास एयर व्हीकल एक टारगेट का काम करता है। ये कोई नॉर्मल स्टेशनरी टारगेट नहीं है। इसके अंदर जैसा कि हमने समझा कि गैस टरबाइन इंजन है जिसकी वजह से ये उड़ सकता है। इसके अंदर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि ये अपने आप को नेविगेट कर सकता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के बेसिस पर। माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो होता है वो सिंपली छोटे छोटे डिवाइसेस को मिला के बनता है। वहाँ पर वो लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दोनों का यूज़ करते हैं जिसके बेसिस पर हम उसको हवे में कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपनी डिजायर्ड रिजल्ट के लिए काम करा सकते हैं। अब चूंकि ये लाइट वेट है, रिलायबल है और बहुत कम पावर लेता है, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अब हम मिसाइल को टेस्ट करने के लिए तो एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट उड़ा के तो ध्वस्त नहीं करा के देख सकते हैं, इसीलिए अभ्यास एयर व्हीकल का निर्माण किया गया है। सिंपल, इसको फुली ऑटोनोमस फ्लाइट की तरीके से प्रोग्राम किया गया है और ये वेरियस मिसाइल सिस्टम के इवैल्यूएशन के लिए ये काम करता है, उनके टारगेट जैसा काम करता है। बात करें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की, एडीई जो है, तो जो भी हमारे पास मिसाइल सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे जो खास बात देखने को मिल रही है कि इंडिया खुद का अपना जो यूएवी अनमैंड एयर व्हीकल जो है तैयार कर रहा है इंडिया। चूंकि आपको अगर मालूम हो और अगर आप रेगुलर करंट अफेयर से जुड़े हो तो आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है से इंडिया की बातचीत चल रही है, और वो प्रीडेटर बी नाम से जो होता है, प्रीडेटर बी नाम से जो है यूएवी है, अनमैंड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैंड एरियल व्हीकल जो है इंडिया को सप्लाई करेगा। अब इंडिया वो तो खरीदेगा जो जब वो डील साइन होगी तब होगी, लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया अपना खुद का भी एयर व्हीकल जो है उसके लिए काफ़ी टेस्टिंग चल रही है, और वो टेस्टिंग जो है डीआरडीओ के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात देखने को मिल रही है कि डीआरडीओ ने बालासोर की, ज़्यादातर दोस्तों एक्सपेरिमेंट आपको ये कुछ ही साइट्स होते हैं इंडिया में जहाँ पे होते हैं ये, बालासोर उड़ीसा में है। ठीक है, तो डीआरडीओ के मोस्ट मेनली जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं डीआरडीओ के द्वारा सारे के सारे बालासोर या उड़ीसा पोस्ट पे ही होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बारे में जो सुनने को मिल रहा है अभ्यास एयर व्हीकल के बारे में वो इस तरह से कि यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। ठीक है, जो कि डीआरडीओ के अंडर में ही एक बॉडी है जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट पे काम करती है, और इसके फीचर इस तरीके से हैं कि इट इज़ अ ड्रोन यूएवी। ठीक है, ड्रोन की तरह है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल ड्रोन की तरह है।
अनमेंट एरियल व्हीकल, ठीक है, सो दैट विल बी यूज एज अ टारगेट फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम्स, ठीक है। जनरली आपको देखने को मिलता हो, अगर आपने मूवीज़ देखी हो तो अफगानिस्तान में जो है यूनाइटेड स्टेट्स अपने यूएवीज के थ्रू काफ़ी बॉम्बिंग और बम्बार्टमेंट करने का काफ़ी काम करता है। स्पेशली उनका जो है तालिबान से काफ़ी डिस्प्यूट रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो यूएस जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है वर्ल्ड में, तो इसी वजह से इंडिया जो है प्रेडेटर वी नाम से यूएवी को जो है यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदने की कोशिश कर रहा है। और उसकी उसी चक्कर में दोस्तों आपको पता हो तो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिसमें एक एग्रीमेंट का नाम है BECA, ठीक है, BECA है। जैसे लिमोआ था, काफ़ी सारे एग्रीमेंट है, लिमोआ, सिस्मोआ और कार्टेशिया, कुछ इस तरीके से नाम से काफ़ी एग्रीमेंट है। उसमें से यह है बेस एक्सचेंज कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, समथिंग लाइक दैट है इसका नाम, ठीक है। अभी मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है इसका नाम, बट बेसिक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से के, जिसमें मिलिट्री, दोनों कंट्री की मिलिट्रीज के बीच में एक कोऑपरेशन बनाया जाता है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होता है सिक्योरिटी लेवल के डायलॉग्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में होते हैं, और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस अभ्यास एयर व्हीकल में, इसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पे जो नेविगेशन होगा, अब एक बात तो ध्यान रखना है, ये DRDO के अंडर में ये जो बॉडी है जिसका नाम क्या था, एरोनॉटिकल, आपको ये अच्छे से नाम ध्यान होना चाहिए, एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO। तो कल को ये पूछ सकते हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी आपसे, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो इसमें जो नेविगेशन होता है, नेविगेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, नेविगेशन मतलब किस दिशा में जाना है, तो वो दिशा तय करने के लिए जो होता है यहाँ पे नेविगेशन के लिए, नेविगेशन बाई माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स बेस्ड इनर्शियल नेविगेशनल सिस्टम फॉर नेविगेशन, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जा रहा है नेविगेशन बाई माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम का यूज़ किया जाता है बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन। तो यहाँ पे MEMS जो है ये माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी है यूज्ड टू क्रिएट टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम्स, दैट कम्बाइन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये जो MEMS है जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, इट इज़ अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस और सिस्टम्स दैट कंबाइन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि कंबाइन करता है मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को भी। और इट इज़ अ लाइट वेट, चूँकि ये क्या होता है लाइट वेट होता है, तो ऐसी चीज़ों की इन अनमेंड एरियल व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये लाइट वेट है और रिलायबल है, कंज्यूम्स लेस पावर एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, तो प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट, ठीक है, एज अ टारगेट फॉर इवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिसाइल सिस्टम्स के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा पढ़ाने में ऐसे ही हो रहा है। नेविगेशन सिस्टम के बेसिस पर माइक्रो इलेक्ट्रो सिंपल, इसको फुली ऑटोनोमस। तो दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू नेविगेशन किया जाएगा। किसका? ये अभ्यास एयर व्हीकल का नेविगेशन किया जाएगा, और ये काफ़ी टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेज है।
और सिस्टम है दैट कंबाइन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इंडिया अडॉप्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने की इसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। फ्लाइट डेवलप करते हैं और साथ अब यहाँ पे हमने बात की थी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी डिज़ाइन तैयार कर रहा है। ठीक है, तो इज़ अ की एरोनॉटिकल सिस्टम डिज़ाइन लेबोरेटरी अंडर DRDO और स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैंड एरियल व्हीकल्स एंड एरोनॉटिकल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही ठीक है इस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब UAV जो टेक्नोलॉजी है। UAV आपको बताए सही, जैसा कि अफगानिस्तान में अनमैंड एयर व्हीकल काफ़ी उड़ते रहते हैं। ठीक है, एंड एरोनॉटिकल सिस्टम उनको ये बॉडी तैयार करती है। इसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, क्या नाम है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसका नाम है। ओके ओके ओके, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी एरोनॉटिकल सिस्टम्स और उनके लिए जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड से रिलेटेड, तो ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बना के देती है। अगला आर्टिकल एक्सरसाइज इंद्रा 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडियन ओशन रीजन में अभी फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा हाई ऑपरेशनल अलर्ट जारी की गई है क्योंकि चाइना के साथ टेंशन है। इन्हीं टेंशन के बीच इंडिया और रशिया मिलकर बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे जिसका नाम है इंद्रा 2020। अंडमान सी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल नजदीक है। आप ये मैप देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ये है अंडमान सी जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इंडिया के पास। तो दोस्तों, आपको ये बिल्कुल क्लियरली याद रहना ही चाहिए कि भाई ये जो इंद्रा नाम से एक्सरसाइज है ये रशिया के साथ होती है। ठीक है, क्या रशिया के साथ में हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं? इंडिया रशिया के बीच में जो है एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रा। ठीक है, और इंद्रा जो है दोस्तों कैसी है? मेरी टाइम एक्सरसाइज है। क्या है? मेरी टाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इंडिया की रशिया के साथ तो और भी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है और एयर एक्सरसाइज भी होती है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी अपन। उससे पहले ये देख लेते हैं कि दोस्तों ये जो एक्सरसाइज होने वाली है ये एक्सरसाइज होने वाली कहाँ पे है। तो खास बात ये है कि ये अंडमान जो सी है ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये जो रीजन है ना अंडमान सी कहलाता है। इधर अंडमान निकोबार हो गया आइलैंड, ठीक है, इस जोन में। ठीक है, और इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अंडमान सी, इधर हो गया म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, और इधर से मलक्का स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से मैप भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इनका इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंस है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना के जो शिप्स हैं वो देखो यहाँ से होके गुजरते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, पिछले 2-3 दिनों से एक दिक्कत आ रही है, जब भी ये पेन चलाता हूँ तो हैंग हो जाता है। अभी शायद फिर से हो जाए, पूरा विंडो फिर से रीइंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर से रीइंस्टॉल कर लिए, बट ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, देखते हैं। खैर, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये यहाँ से चाइना के शिप्स होकर गुजरते हैं और इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना पर नकेल कसी जा सकती है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2003 में और पहली बार जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट हुई 2017 में। चलते हैं आगे। पुरन आर्टिकल, हर जॉइंट ट्राई सर्विस नकेल कसी जा सकती है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2003 में। तो दोस्तों ऐसी बातें भी आज के टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जब इंडिया जैसे ये अब तो पुराने क्वेश्चन हो गए कि इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज है। ठीक है, कल को क्या होगा, वो मैच द फॉलोइंग देगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लेगा इंडिया रशिया एक्सरसाइज। ठीक है, इधर पूछ लेगा इंडिया नेपाल एक्सरसाइज, इधर पूछ लेगा इंडिया भूटान एक्सरसाइज। ठीक है, और इधर कुछ नाम दे देगा और पूछेगा विच वन इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। बट अब जैसा जैसा क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है ना, तो वो
और गहराई में डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो, सबको पता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो है इंदिरा नाम से जो है एक एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाती है, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज है वो अगर उसकी बात करें तो वो कब से शुरू हुई थी, उस क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, मतलब तीन चार स्टेटमेंट भी दिए हो सकते हैं। तो दिस सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बिगेन इन 2003। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2003 में इंडिया और रशिया के बीच में जो है एक्सरसाइज शुरू हुई थी, एंड द फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2017। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि 2017 में जो है पहली फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2017। और इस एक्सरसाइज का नाम दोस्तों ध्यान रखना, ये जो एक्सरसाइज इंदिरा 2020 है, ये एक ट्राई सर्विस की एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, तो एमिड हाई, तो ये बात बड़े अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। आजकल ना नए ट्रेंड चल गया है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का। ठीक है, काफ़ी कंट्रीज करने लगी है, मतलब इंडिया का काफ़ी कंट्रीज के साथ में अब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने लगी है। ठीक है, एक्सरसाइज तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दोस्तों चाहे हम एयर में हो चाहे डायरेक्ट मिलिट्री हो, आर्मी हो, ठीक है, आर्मी हो चाहे हमारी नेवी हो, ठीक है, ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। और पहली बार जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट हुई 2017 में। चलते हैं आगे। पुरन आजकल हाइपरसोनिक टेस्ट डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के बारे में है। क्या टेस्ट है? डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों सफलतापूर्वक इस व्हीकल का टेस्ट किया गया। ये कुछ नई टेक्नोलॉजी है, ये हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। क्या नाम है इसका? हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की बात हो रही है यहाँ पे। और रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, और काफ़ी सक्सेसफुली जो है डीआरडीओ का मैंने देखा है, जितने भी जब से भी मैं ये करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, डीआरडीओ के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट सब सफल ही होते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा कुछ देखने को मिलता है इंसिडेंट। तो आप देख सकते हो कि डीआरडीओ और इसरो जो हमारे यहाँ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना अच्छे से काम कर रही है, और वो जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते ये हैं। क्या है? ये देखो, अनमैन्ड स्क्रैमजेट डिमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रैवल कर सकता है हाइपरसोनिक स्पीड पर। हाइपरसोनिक स्पीड कौन सी स्पीड होती है? देखो, अगर कोई स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना से ज़्यादा होती है तो उसे आप हाइपरसोनिक स्पीड कह सकते हो। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम स्क्रैमजेट का मतलब जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे यार कुछ इम्पोर्टेंट नेम होते हैं, जैसे कि रैमजेट होता है एक, तो ये सब इंजन होते हैं दोस्तों। रैमजेट, स्क्रैमजेट सबसे हाई क्वालिटी का होता है दोस्तों। जो ये स्क्रैमजेट की बात कर रहे हैं, स्क्रैमजेट में एक्चुअली होता यही है कि इसमें जो है हम हाइपरसोनिक स्पीड में जो है ना एंटर कर जाते हैं। तो ये हाइपरसोनिक जो बोल रहे हैं ना, ये हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो 5 मैक से ज़्यादा होती है, 5 मैक से ज़्यादा होती है। और अगर 1 मैक से ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल स्पीड तो 1 मैक की होती है। ठीक है, बाकी ये सुनते हैं इनकी ये क्या बता रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो कि हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, क्या नाम है इसका? हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है, चूँकि ये हाइपरसोनिक स्पीड पे हो रहा है तो उसके ऊपर बस ये सिर्फ टेस्ट ही कंडक्ट हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो इट इज़ एन अनमेंड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट दैट कैन ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड, एंड इट यूजेस हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। यार ये तो तगड़ी टेक्नोलॉजी होती है, इसमें एयर ब्रीथिंग की जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब रॉकेट चल रहा होता है ना, ये तो रॉकेट है,
ये चल रहा होता ना, तो ये बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर को अंदर सक करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे इग्निशन डेवलप होता है, इग्निशन होता है, इग्निशन। तो इग्निशन इसको जो है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलता है। किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये ऑक्सीजन दोस्तों एक्चुअली आ रही है आउटसाइड से, तो उसको सक करने का काम ही जो है ये स्क्रैमजेट करता है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंजन है जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में यूज़ किया जाता है। और स्क्रैमजेट का मतलब जानने से पहले हम रैमजेट का मतलब जानते हैं। देखो, जो नॉर्मल जेट इंजन्स होते हैं उनको थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ों को कैरी आउट करना जरूरी होता है, एक फ्यूल और दूसरा ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर क्या करता है? ऑक्सीडाइजर फ्यूल को बर्न करता है, और फ्यूल तो फ्यूल होता ही है। लेकिन रैमजेट एक ऐसा जेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर को कैरी नहीं करता। जब एयरक्राफ्ट आगे की डायरेक्शन में मूव करता है तो हवा से सामना होगा, उस हवा को ही कंप्रेस करके ऑक्सीडाइजर को इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि फ्यूल को बर्न किया जा सके। समझ गए? मतलब नॉर्मली जेट इंजन्स में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता होती है, दोनों को साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन रैमजेट में क्या होता है, फ्यूल को तो साथ ले जाया जाता है बट ऑक्सीडाइजर की जो आवश्यकता होती है ना वो हवा को ही कंप्रेस करके हासिल कर लिया जाता है। इसके फायदे काफी होते हैं, जैसे सबसे बड़ा तो फायदा ये होता है कि आपको ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आपको ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाना पड़ेगा तो फिर उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा ना, आपको ये समझना होगा। इससे क्या होगा, जो व्हीकल है ये, जो यही टेक्नोलॉजी दोस्तों वहाँ पे भी यूज़ होती है। जो क्रायोजेनिक इंजन बनाया है इसरो वालों ने, तो वो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया दोस्तों, उसमें ये मतलब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो ज़्यादा जो है फ्यूल का वेट जो है रिड्यूस हो जाता है। तो अल्टीमेटली पूरे सैटेलाइट तो हमारा छोटा सा होता है, उसका वेट तो एक टन के बराबर होता है, जबकि उस एक टन का भी नहीं होता। इवन बहुत छोटे सैटेलाइट होते हैं, कुछ केजीज के ही होते हैं, बट उनको ले जाने के लिए ही जो है पूरा फ्यूल और पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसका तो बहुत ज़्यादा होता है ना ये वेट। तो इस फ्यूल को कैरी नहीं करना पड़े, और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई के लिए भी पहले जो PSLV रॉकेट के यूज़ किए जाते थे, ठीक है, तो उसमें भी यही होता था, यही सेम इशू होता था कि वहाँ पे भी क्या है, साथ में काफ़ी सारे लॉन्चर से लेकर के जाने पड़ते थे। फिर ये एक 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 लॉन्चर जो है सेपरेट होता जाता है अलग अलग स्टेज में, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है, रैमजेट और स्क्रैमजेट में भी यही होता है। बस रैमजेट जो है सुपरसोनिक स्पीड पकड़ पाता है, स्क्रैमजेट का ये होता है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ पाता है, ठीक है, यही होता है। और ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, इसका ब्रीथिंग मैकेनिज्म, एयर ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में जब जाता है ना तभी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही ले लेता है, ठीक है। तो आप फ्यूल ज़्यादा ले जा सकोगे, फ्यूल आप ज़्यादा ले जा सकोगे तो ज़्यादा दूरी तक आप ट्रैवल कर सकोगे। तो ये होता है रैमजेट इंजन, इसे एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहा जाता है। अब देखो, डिफरेंस रैमजेट और स्क्रैमजेट में ये है, स्क्रैमजेट वैसे तो रैमजेट का ही एक वेरियंट है, बट रैमजेट एफिशेंटली काम करता है सुपरसोनिक स्पीड पर, यानी साउंड की स्पीड अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा है बट 5 गुना साउंड की स्पीड से कम है, आप मैक का इस्तेमाल करते हो, मैक नंबर 2 है किसी एयरक्राफ्ट का, तो मतलब उस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 2 गुना है। अगर मैक नंबर 5 है किसी एयरक्राफ्ट का, मतलब उस एयरक्राफ्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना है। तो सुपरसोनिक स्पीड मैक 1 से मैक 5 के बीच की होती है। ये जो रैमजेट होता है ये सुपरसोनिक स्पीड पे तो काम कर सकता है बट हाइपरसोनिक स्पीड से काम नहीं कर सकता। मतलब अगर एयरक्राफ्ट को साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करना है तो फिर रैमजेट काम नहीं कर सकता, उसके लिए हम स्क्रैमजेट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रैमजेट आप कह सकते हो एक प्रकार से रैमजेट का ही इंप्रूवमेंट है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर काम कर सकता है। अब फिर से आते हैं, रैमजेट और उसकी इंप्रूवमेंट है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर काम कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें वही बात रिपीट हो रही है, वही मैंने बताया कि स्क्रैमजेट और ये रैमजेट वैसे ही होते हैं, एक जैसे ही होती है टेक्नोलॉजी। बस यही है कि स्क्रैमजेट जो है हाइपरसोनिक स्पीड पर काम कर पाता है और रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पर काम कर सकता है। और सुपरसोनिक का मतलब ये है ग्रेटर देन 1 मैक होता है, मतलब सुपरसोनिक में एंटर कर जाता है, ठीक है। और हाइपरसोनिक का मतलब ग्रेटर देन 5 मैक ये कंसिडर करके चला जाता है, ठीक है। अब फिर से आते हैं, रैमजेट और स्क्रैमजेट का मतलब हमने जान लिया। अब फिर से आते हैं हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोंस्ट्रेशन व्हीकल की तरफ। इसके द्वारा हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया। और ये व्हीकल साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है।
यानी मैक्स 6 स्पीड हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे तो जो बताया गया है वो ये है कि भाई साउंड की स्पीड से 6 गुना स्पीड मतलब मैक्स 6 पे काम कर सकता है कौन, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये जो व्हीकल है, ठीक है, क्या नाम है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSTDV, ठीक है, HSTDV बोलते हैं इसको। लेकिन दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ना कि मैक 6 से ज़्यादा स्पीड की बात कर रहा है ये हाइपरसोनिक के लिए, ये मतलब कहीं पे 5 मैक भी लिखा होता है, कहीं पे इससे कम भी होता है, 3 मैक भी होता है, बट जनरली 5 मैक कंसिडर करके चला जाता है। अब चूंकि ये बता रहे हैं कि 6 मैक की स्पीड के बारे में, तो हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, इस डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की। किस लिए इसका इस्तेमाल होगा, देखो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करना हो, या फिर फ्यूचर में हमें एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना हो इसके लिए, इसके अलावा सर्विलियंस, और सबसे लास्ट में अगर देखो फ्यूचर में हमें रीयूजेबल लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं तब भी इस व्हीकल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कहां पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया, उड़ीसा की कोस्ट के पास जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर ये सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किया गया। और खास बात देखो ये है, इंडिया चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है, अभी तक सिर्फ 3 देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, USA, रशिया और चाइना। इंडिया चौथा देश है ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला, और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल था इसमें मेनली तो बात बताई गई थी हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के बारे में, बाकी ये आपको थोड़ा बहुत कुछ बातें हैं, इसके जो पर्पज़ है इसको समझिए आप, कि जो ये क्रूज मिसाइल होती है ना, जैसे कि ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस नाम से जो हमारे मिसाइल है, ठीक है, वो भी एक क्रूज मिसाइल है। अब वो क्रूज मिसाइल को लॉन्ग रेंज के बनाना, ठीक है, अभी ये कितनी 350 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है इसकी, ठीक है, जिसको हम शायद 600-700 तक ले जाएंगे ऐसा कुछ चल रहा है, बट ये जो हाइपरसोनिक टेस्ट हुआ है कंडक्ट, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल था, इस सब का इसका यूज़ करके हम हमारे इसके क्रूज मिसाइल के रेंज को और बढ़ा सकते हैं, जो अभी सिर्फ 350 किलोमीटर है वो कई कई हजारों किलोमीटर में भी कन्वर्ट की जा सकती है, एंड विल हैव मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मिसाइल्स ऑफ द फ्यूचर फॉर एयर डिफेंस सर्विलियंस बिसाइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशेंट लो कॉस्ट एंड रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और दोस्तों ये जो टेस्ट था वो कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, तो ये ध्यान रखना APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है ये, ठीक है, जो कि कोस्ट ऑफ ओडिशा में, इसको पहले जो है दोस्तों व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, व्हीलर आइलैंड, ठीक है, के नाम से भी इसको जाना जाता था, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये है कि इंडिया जो है इसी 4th कंट्री होगी ज़्यादातर केसेस में मिसाइल्स के मामले में, इंडिया दोस्तों 4th नंबर पर आ रहा है, ठीक है, पहले पे USA आता है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे इंडिया, तो इंडिया की 4th रैंकिंग रहती ही है इन मामलों में। स्पेस सेक्टर में भी कई जगहों पे ऐसा है कि दोस्तों इंडिया काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर की तरह देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो मिशन शक्ति है उसके बारे में भी पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि मिशन शक्ति में भी जो NT वो सैटेलाइट मिस करके जो है एक इन्होंने कुछ बनाया है ऐसा ही वेपन, जिससे हम अब स्पेस में भी जो है कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो इंडिया के ऊपर निगरानी रख रहा हो तो उसको भी मार सकते हैं, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के बारे में, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल INS विराट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में जब 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था, तो उसके बाद अब ये अपना आखिरी रास्ता या फिर आखिरी जर्नी ये ट्रैवल कर रहा है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से गुजरात के आलंग जगह तक जा रहा है जहां पर इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। INS विराट इंडियन नेवी को 30 ईयर्स का सर्विस दे चुका है, ये अपने आप में एक सेकेंड सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके पहले मतलब कि जब 1987 में जब इसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया था, उसके पहले भी ये ब्रिटिश नेवी में HMS होम्स नाम से ये इंडक था, वहाँ पर इसने 25 साल तक अपना योगदान दिया था 1959 से 1984 तक, उसके 3 साल में कुछ मरम्मत करके इन्होंने फिर इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया था, मतलब इंडियन नेवी को दे दिया था, वहाँ पर इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया। इसका मेजर रोल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके, जैसे कि जब श्रीलंकन पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा था तो उस टाइम 1989 में ऑपरेशन जुपिटर के अंदर इसने मेजर रोल प्ले किया था, साथ ही साथ जब 2001 और 2002 में इंडियन पार्लियामेंट पर टेरर अटैक हुआ था तो उसके लिए ऑपरेशन पराक्रम चला था, उसमें भी ये साथ दिया था हमारा, साथ ही साथ बहुत सारे जॉइंट
नेवी एक्सरसाइजेस, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हैं जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि यूएसए के साथ एक्सरसाइज मालाबार, फ्रेंच के मतलब फ्रांस के साथ एक्सरसाइज वरुणा और ओमान के नेवी के साथ नसीम अल बहार। इसके पास गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है कि ये विश्व का सबसे लंबा सर्विंग वॉरशिप है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो एक संस्कृत फेज है, जलमेव यश्य बलमेव तस्य, जिसका मतलब है कि जो भी सी को कंट्रोल करता है वो बहुत पावरफुल होता है। अगला आर्टिकल जिमेक्स 20 से रिलेटेड है, जापान इंडिया मेरिट आखिरी रास्ता। तो दोस्तों ये INS विराट है, ये पहले काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था इंडिया के लिए, अब उसको डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है, तो अब ये काम नहीं कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। अब इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आता है कोई एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ और यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। फिर वो ये काफ़ी बड़े होते हैं ये लेंथ में, ठीक है। ये दिखने में अभी ऐसे छोटा लग रहा है बट बहुत बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसके अलावा इसमें जो ख़ास बात थी दोस्तों वो ये है, आपको जो ध्यान रखनी चाहिए अगर पूछी जाएगी तो, ठीक है। वैसे तो अब ये डीकमीशन कर दिया गया है तो कम ही चांसेस है। तो इसने जो है 30 साल की सर्विस दी है इंडिया को, ठीक है। 30 साल की सर्विस देने से पहले 25 साल की सर्विस इसने ब्रिटिश नेवी को भी दी थी 1959 से 1984 में। और इसको कमीशन किया गया था, मतलब इसको काम पे लगाया गया, एक तरीके से कमीशन किया गया इंडियन नेवी के अंडर में, ठीक है, 1987 में। तो मतलब इंडिया ने 1987 में अपनी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है INS विराट को जो है ख़रीदा था, ठीक है। ये पहले जो है ब्रिटिश नेवी में था एज HMS हरमे नाम से, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैंने बता दी। बाकी ये है कि बाकी इसके अलावा देखे तो दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन जुपिटर था, ये उसमें शामिल था। ये इतना काम का नहीं है लेकिन ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ऐसे इंडिविजुअली वैसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जो मालाबार है इंडिया की USA के साथ में होती है, वरुण एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ होती है, नसीम अल बहार ये होती है ओमान नेवी के साथ में, ठीक है, ओमान के साथ में होता है। और इट होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज मैंशनड इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बींग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इट होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज मैंशनड इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फॉर बींग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि इसके हाथ में है वो ये है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप रहा है ऑफ द वर्ल्ड का। इसके अलावा देखे तो यहाँ पे इसका एक मोटो भी था, मोटो ये था कि जलमेव यश्य बलमेव तस्य, ठीक है। हालांकि UPSC ऐसे मोटोस पे कंसंट्रेट नहीं करती है दोस्तों, काम की बात जो थी मैंने बता दी, ये स्टार जो लगे हुए हैं, ठीक है। ये नसीम अल बहार जो है आप याद रखना ओमान के साथ की जाती है, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है इनके ऊपर, ठीक है, वापस से भी पूछ सकती है, कोई गारंटी नहीं है, पता है वो बहुत पावरफुल होता है। अगला आर्टिकल जिमेक्स 20 से रिलेटेड है। देखो दोस्तों जिमेक्स 20 देख करके ये लगता है कि ये जापान की होनी चाहिए, तो इंडिया और जापान की जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, बस इतना भी पता होता है ना तो ठीक होता है, ठीक है। लेकिन जिमेक्स है, ठीक है, अब वो क्या पूछेंगे, वो क्यों पूछेंगे इसको, जब देख करके ही पता चल रहा है, कोई भी बंदा ये बता सकता है कि यार जापान होगा जे का मतलब और आई मतलब इंडिया, तो जिमेक्स रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली कम ही पूछे जाते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम होते होंगे तो उनमें पूछे जाते होंगे, बट UPSC ऐसी कुछ चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं करती है, ठीक है। बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई जिमेक्स एक्सरसाइज है और ये इंडिया और जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये एक प्रकार का बाई एनियल एक्सरसाइज है, मतलब कि दो, लेकिन ये है कि बाई एनियल है मतलब दो साल में एक बार ही कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, साल में एक बार होता है जापान और इंडिया के बीच में। हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसका चौथा एडिशन नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया है 26 से 28 सितंबर तक। इस एक्सरसाइज के अंदर इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट करती है। इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव होता है कि हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को ऑपरेशन को थोड़ा मजबूत बना सकें, इस पे स्पेशल फोकस दे सकें। जिमेक्स 20 के अंदर में जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स को और बड़े लेवल पर अंजाम दिया गया। इंडिया की तरफ से स्टील्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई और तेज क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक ने पार्टिसिपेट किया था। एक बार इन तीनों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लीट टैंकर दीपक, इंडिया की तरफ से स्टील्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई और तेज क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक
ने पार्टिसिपेट किया था। एक बार इन तीनों के बारे में अब दोस्तों इन्होंने ये बहुत कंसंट्रेट तो कर रहे हैं इसके ऊपर कि इंडिजीनियसली जो बिल्ट है इंडिया के स्टेल्थ मतलब जासूस होता है, ठीक है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई और टैग क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट तरकश और इसके अलावा फ्लीट टैंकर दीपक रिप्रेजेंट द इंडियन नेवी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पे क्वेश्चन आने की मुझे नहीं लगती है संभावना कि ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। अब INS चेन्नई को बहुत खास बहुत बड़े लेवल का देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं INS चेन्नई का, तो ये कोलकाता क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको कि इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया था। प्रोजेक्ट 15A में वन ऑफ द लास्ट शिप है इंडियन नेवी का। ये इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर की बात हो या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स की बात हो, वो सारे लॉन्च सिस्टम्स इसके अंदर हैं, जिससे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है, बराक 8 मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। अगला है INS तरकश। INS तरकश जो है वो टेक क्लास का सेकंड स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको कि रशिया से एक्वायर किया गया था। इसके पास एंटी शिप एंटी एयर एंटी सबमरीन वेपनरी सिस्टम है, इसके अंदर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च करने की क्षमता है, साथ ही साथ ये नेवल गन टॉर्पीडोज और रॉकेट्स को भी लॉन्च कर सकता है। चूंकि ये रशिया से ही एक्वायर किया गया था तो ये रशिया के अंदर एक यंत्र शिपयार्ड है, वहीं पर इसको बनाया गया था। तीसरा है INS दीपक। INS दीपक जो है वो रिप्लेनिशमेंट टैंकर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पूरी इंडियन नेवी की फ्लीट चल रही है और उनको रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ गई तो ये एक प्रकार का रिप्लेनिशमेंट टैंकर रीफ्यूलिंग का काम करेगा। इसी तरीके से कभी भी एम्यूनिशन की सप्लाई करनी हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, उसमें हेल्प कर सकता है। ऐसे किसी भी ऑपरेशन जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसी को चाहिए या फिर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट करने होते हैं तो भी ये रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स काम आते हैं। साथ ही साथ ये हमारे फ्यूचर की ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाते हैं। ब्लू वाटर का मतलब होता है ओपन ओशियन। साथ ही साथ इसी तरीके से दो और टाइप्स ऑफ वाटर डिफाइंड है मैरीटाइम में, एक होता है ग्रीन वाटर एक होता है ब्राउन वाटर। जो ग्रीन वाटर है ये हमारे कोस्टल वाटर या फिर हमारे हार्बर वाली जो जगह होते हैं ऐसे जगह पर हम बोल सकते हैं, या ये जो ब्राउन वाटर होते हैं ये हमारे नेविगेबल रिवर्स या एस्चुरीज जैसे जगह को कहते हैं। ये जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी मैंने बताया आपको जिसको हम ओपन ओशन की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप बहुत दूर जाके मतलब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जाके भी ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कैपेबिलिटीज़ को INS दीपक इन्हांस करता है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के अलावा जिमेक्स के अलावा और भी बहुत सारे। दोस्तों यहाँ पे जो खास बात है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये INS चेन्नई है, बस ये मुझे लगता है थोड़ा सा काम गया बट इतना भी नहीं है, ठीक है। INS चेन्नई जो है ये कोलकाता क्लास का थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इंडिजीनियसली डिजाइंड है। सबसे अच्छी बात तो यह है जैसे प्रोजेक्ट 15A चल रहा था इंडियन नेवी का, ठीक है, उसका ये पार्ट रहा है और ये शायद इसमें लास्ट रहा है सबसे आखिर में। इसमें क्या होता है सीरीज़ बाई सीरीज़ जो है काफ़ी सारे इस तरीके के जहाज़ बनाए जाते हैं, उसमें तो INS चेन्नई सबसे लास्ट था। जैसे अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट 15A में कौन कौन से थे, इसी तरीके से इंडिया फ्रांस की मदद से भी प्रोजेक्ट 75A कुछ समथिंग 75B और ए कुछ समथिंग चला रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जिसमें कालावेरी और कंधेरी और वो सब बन रहे हैं, ठीक है, थीके? तो वो चीज़ें जो अभी रिसेंट में हो रही है उसके बारे में ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ये पुराने प्रोजेक्ट है। शायद तक प्रोजेक्ट 15A है तो ये इक्विप्ड है वैसे तो विद वर्टिकल लॉन्च एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है। वर्टिकली लॉन्च का मतलब होता है इस तरीके से कोई मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च भी कर देता है या फिर लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल भी है इसके पास होती है, ठीक है। सरफेस से बिल्कुल एयर में मारक क्षमता जिसकी होती है या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी होता है इसमें। इसमें खास बात जो ये है कि इससे ब्रह्मोस बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उनको भेदा जा सकता है, मतलब इनको छोड़ा जा सकता है इससे, ठीक है, ब्रह्मोस से भी और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी, ठीक है। ये सब कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 15A में वन ऑफ द लास्ट शिप है इंडियन नेवी का। ये इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर की बात हो या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम की बात हो, वो सारे लॉन्च सिस्टम इसके अंदर हैं, जिससे कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है, बराक 8 मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। अगला है INS तरकश। INS तरकश जो है वो टेक क्लास का सेकंड स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको कि रशिया से एक्वायर किया गया था, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हालांकि ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि INS तरकश है ये रशिया से अब अक्वायर किया गया था। अब ये पुरानी बातें होगी, हालांकि हल्का सा याद रहना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है INS तरकश है रशिया से इंडिया ने अक्वायर किया था और जो हमने अभी
जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, INS कौन सा था वो, चेन्नई। चेन्नई जो है वो इंडिया के प्रोजेक्ट 15A का जो है पार्ट है, मतलब इंडिजीनियसली बना हुआ है ये, इतना पता होना चाहिए क्या इंडिजीनियसली बना हुआ है और क्या जो है रशिया से बाई किया हुआ है, ऐसी चीज़ें हमको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। इट कैरीज अ वाइड रेंज ऑफ एंटी शिप, एंटी एयर एंड एंटी सबमरीन वेपनरी, ठीक है, इंक्लूडिंग द सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, 100 mm नेवल गन्स। ये सब बेकार की बातें दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, फिर यूपीएससी में हर चीज़ काम की नहीं होती है। इसके पास वहीं पर इसको बनाया गया। इसी तरीके से कभी जब तक कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती है, कोई यूनिक चीज़ नहीं होती है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है। की सप्लाई करनी हो, इसी तरीके से दो और टाइप्स ऑफ वाटर डिफाइंड है मैरिटाइम में, एक होता है ग्रीन वाटर, एक होता है ब्राउन वाटर। जो ग्रीन वाटर है जाके भी ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ये INS दीपक है, ये ऐसे ही पेट्रोलिंग के लिए है ये दोस्तों, मतलब पेट्रोलिंग के लिए तो नहीं बट रिफ्यूलिंग के लिए ये जहाज़ है, यूज़ किया जाता है, जो बड़ी काफ़ी सारी फ्लीट्स जाती है, हमारे शिप्स की फ्लीट्स होती है। फ्लीट का मतलब ये 5-6 जहाज होते हैं एक साथ जब जाते हैं, जब सैर करने के लिए पूरे समुद्र में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त पे कोई एक ऐसा जहाज़ भी चाहिए जिसके अंदर खूब सारा फ्यूल हो और उसके फ्यूल का यूज़ करके दूसरे जहाज़ों में जो है ऑयल डाला जा सके और उसकी मदद से जो है आगे बढ़ा जा सके, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल हमारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम से रिलेटेड है, टोटल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो दोस्तों ये कुछ मेरी टाइम एक्सरसाइज है, ये मैं मुझे पहले से मतलब याद ही है, ठीक है, बाकी आप लोग भी ध्यान कर लो। ये धर्मा नाम से जो है, धर्मा गार्जियन, ये जापान के साथ इंडिया की मिलिट्री टाइप की एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये शिन्यू मैत्री करके जो है, ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। और मालाबार आपको पता ही होगा अच्छा अच्छे से, कि इंडिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मालाबार एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो जाती है। बट एक्सरसाइज मालाबार। ये जो है ये खास नाम है, ये शिन्यो मैत्री जो है और ये धर्म गार्जियन है, ये कुछ नए नाम है कई लोगों के लिए, कईयों ने नहीं सुने होंगे तो उन वो सुन ले और ध्यान रखें इसके बारे में, कि शिन्यो मैत्री नाम से जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है और धर्मा गार्जियन नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, किसकी, इंडिया और जापान की। अगला आगे आर्टिकल हमारा बढ़ते P7 हैं। हैवी ड्रॉप सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है। आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे पास IL-76 एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ता हुआ जाएगा और ये नीचे ये जो मिलिट्री स्टोर्स होते हैं ना, मतलब कि उनके जो भी जरूरतमंद चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर एक कुछ जीप टाइप का है और भी नीचे बहुत सारे सामान हैं, इन सबको ऊपर हवा में इनको ड्रॉप कर देगा नीचे। ये पैराशूट की मदद से नीचे लैंड कर जाएंगे। तो ये स्पेशलाइज्ड पैराशूट सिस्टम्स होते हैं और इनमें नीचे आप देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म स्टील का हो सकता है या फिर कुछ हैवी मेटल का होगा, जिसका वेट पूरा का पूरा, इन सबका वेट लगभग लगभग 7 टन का होता है। ये जो इस पिक्चर को देखिए, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, रिसेंटली DRDO ने ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम जो है डेवलप किया है, ठीक है। क्या है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। और इसमें होता क्या है, व्हाट इज इट, सो इट इज़ केपेबल ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स अप टू 7 टन वेट क्लास फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट, ठीक है। इट इज़ केपेबल होता है ऑफ पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स अप टू 7 टन वेट क्लास फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट, और इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड स्पेशलाइज्ड पैराशूट सिस्टम, होता क्या है कि हमारे ठीक पास है। IL-76 एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट ऊपर से उड़ता हुआ जाएगा और ये नीचे ये जो मिलिट्री स्टोर्स होते हैं ना, मतलब कि उनके जो भी जरूरतमंद चीज़ें होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुछ जीप टाइप का है और भी नीचे बहुत सारे सामान हैं, इन सबको ऊपर हवा में इनको ड्रॉप कर देगा नीचे। ये पैराशूट की मदद से नीचे लैंड कर जाएंगे। तो ये स्पेशलाइज्ड पैराशूट सिस्टम्स होते हैं और इनमें नीचे आप देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म स्टील का हो सकता है या फिर कुछ हैवी मेटल का होगा, जिसका वेट पूरा का पूरा, इन सबका वेट लगभग लगभग 7 टन का होता है, और ये पैराशूट की मदद से ये नीचे इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। इसी के ऊपर P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का निर्माण किया गया है। इसमें इस पैराशूट सिस्टम में मल्टी स्टेज सिस्टम होते हैं, जैसे कि 5 कैनोपीज होती हैं और इसमें 5 ब्रेक शूट्स होते हैं, 2 ऑक्सिलरी शूट्स होते हैं। इस तरीके से कुछ ब्रेक मैकेनिज्म्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि वो आराम से लैंड करे। ये दोस्तों एक्चुअली क्या है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है, ये कुछ नहीं होगा, ये पैराशूट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके साथ में ना कुछ बांध करके जो है यहाँ पे जो है प्लेन है वो उड़ रहा है, ठीक है।
ठीक है, जो भी ये प्लेन है वो उड़ रहा है और उड़ते हुए प्लेन जो है इसको छोड़ देता है, ठीक है, इसको छोड़ देता है ऐसे एरिया में जहाँ पे मान लो हमारी मिलिट्री कल को युद्ध लड़ रही हो, तो युद्ध लड़ रही हो तो उस उसमें बहुत काफ़ी सारा सामान होता है, ठीक है, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें होती है जैसे कि ये जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, गन्स हों या जो भी आप देख सकते हो जीप होती है, व्हीकल्स हो सकते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स हो सकते हैं, मिलिट्री सूट्स हो सकते हैं, उन सब की सप्लाई जो होती है ना करने के लिए ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी टेस्ट और ट्रायल होंगे और ये 100% इंडिजीनस रिसोर्स है दोस्तों, और इट हैज़ बीन इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये काफ़ी काम का है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, क्योंकि दोस्तों मिलिट्री तो होती है 500-600 किलोमीटर दूर, वो हर चीज़ तो लेकर के जा नहीं सकती है, तो जो अपना एरोप्लेन होता है ना या एयरक्राफ्ट बोलो, एयरक्राफ्ट होता है तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट की मदद से ये इस तरीके से पैराशूट में बांध करके जो है बहुत सारा सामान जो है उन तक पहुंचा दिया जाता है, फिर वो लोग उस सामान को प्रोक्योर करके फिर उसका यूज़ कर लेते हैं। 100% इंडिजिनस रिसोर्सेज से बना हुआ है और इंडियन आर्मी में इसको इंडक्ट कर दिया गया है। जो अगला आर्टिकल है वो पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में है। तो दोस्तों ये ध्यान रखो, ये पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी अभी जो है अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है, उन्होंने एक सक्सेसफुल नाइट ट्रायल कंडक्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसका नाम है पृथ्वी 2। ये उड़ीसा कोस्ट पर जो डिफेंस फैसिलिटी है वहां से टेस्ट फायर किया गया। देखिए, इंडिया का पहला सर्फेस टू सर्फेस स्ट्रेटजिक मिसाइल है जिसे इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है और इंडक्ट भी कर लिया। इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जो उनका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसी के तहत रेंज इसकी 350 किलोमीटर की किया गया है DRDO के द्वारा, जो उनका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों ये DRDO के कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, ये पढ़ना चाहिए आपको पूरा डिटेल में, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। DRDO का एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये चलाया जा रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों। इसके अंदर में बहुत सारी 5 तरीके की डिफरेंट मिसाइल्स हैं जिनके सिस्टम्स हैं, जिनके ऊपर काम चलता रहता है, उनमें से पृथ्वी भी एक है, ठीक है। अभी पृथ्वी का एक सेगमेंट है जिसका नाम है पृथ्वी 2, वो क्या कर रहा है कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर जो टेस्ट एंड ट्रायल चल रहे हैं अभी इंडिया के, और ये काफ़ी न्यूक्लियर कैपेबल भी है, ये भी बात ध्यान रखना है आपको, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल कौन कौन सी मिसाइल है, ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए माइंड में, क्योंकि तो यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये पृथ्वी होगी, अग्नि होगी, निर्भय होगी, इनका ध्यान रखना है आपको कि ये कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल्ड है, ठीक है। नाग हो गया, नाग नाम से भी एक लॉन्चर होता है, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूक्लियर कैपेबल है। जैसे अरिहंत करके भी जो है एक जहाज है वो है, और भी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में और उसको पढ़ते रहना पड़ेगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि UPSC जो है बड़ी यूनिक यूनिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है। नाम है उसी के तहत रेंज इसकी 350, ये रेंज देख लो 350 किलोमीटर है, ये 500 से 1000 kg ऑफ वॉरहेड जो है उसको ले जाने में कैपेबल होती है, न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वॉरहेड्स, ठीक है। किलोमीटर की है कैपेसिटी, ये है कि ये 500 से 1000 kg तक का वॉरहेड ले जा सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या फिर कन्वेंशनल। अगला आर्टिकल हमारा प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को बनाते हैं। प्रोजेक्ट 17 है, प्रोजेक्ट 17 का फॉलो अप है, जिसके अंदर हम लोग शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स बनाते थे। 17A के अंदर ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो तीसरा शिप है उसको बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। ये स्टील्थ फ्रिगेट्स बनाते हैं। स्टील्थ का मतलब ये होता है कि इसमें छुपने की क्षमता होती है, मतलब है कि आप डिटेक्ट नहीं हो पाओगे। किसी ने अगर रडार से आपको डिटेक्ट करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। फ्रिगेट्स जो होते हैं वो वॉरशिप्स जैसे होते हैं, मतलब कि ये लड़ाई के लिए काम आते हैं। ये पूरा 17A जो है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड स्टील के साथ फिट किया जाने वाला ये स्टील्थ फ्रिगेट बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो ये प्रोजेक्ट 17A है इसको इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन के अंदर में, जो कि एक प्रकार का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज का, उसके तरीके से बनाया जा रहा है। जो बाकी के वॉरशिप्स होते हैं ना वो अलग तरीके से बनते हैं, ये जो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है इसमें क्या होते हैं हमारे पास अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, इनको हम बाद में जॉइन कर देते हैं बस। तो मल्टीपल स्टेजेस में हम इनके काम को स्टार्ट करते हैं और बाद में इनको जोड़ देते हैं, तो जल्दी बनते हैं ये। तो इसीलिए ये थोड़ा अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट 17A के शिप्स को बनाने का अंजाम दे रहे हैं।
अब जैसी बात है, जब ये बन जाएगा तो हमारा कॉम्बैट कैपेसिटी जो है वो इंडियन फ्लीट, इंडियन नेवल फ्लीट का बढ़ जाएगा। अगला आर्टिकल, स्टील्थ फ्रिगेट्स बनाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखो, ये काम का लग रहा है थोड़ा सा, प्रोजेक्ट 17 है, ठीक है। जो भी कुछ नया कुछ होता है ना, जो काफ़ी सालों से पूछा नहीं है और जहाँ से पूछे जाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये नए नए टॉपिक्स हैं जो कि करंट अफेयर्स में आए हैं, तो प्रोजेक्ट 17 ए पे थोड़ा ध्यान रखो। ये इंडियन नेवी के द्वारा हैज़ लेड द नील ऑफ द थर्ड शिप ऑफ द प्रेस्टिजियस P-17A क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है। तो ये P-17 करके पहले से चल रही थी एक क्लास, अब P-17A करके जो है एक क्लास है, उसके फ्रिगेट है। ये फ्रिगेट इस तरीके के जहाज से होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये है कि वार टाइम में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टील है, ठीक है, उससे बनाए गए एंड फिटेड विद स्टील एंड फिटेड विद वेपन्स एंड सेंसर्स अलोंग विद द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स। अच्छी बात ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। क्या है ये? स्टेल्थ है। ये होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि मान लो पाकिस्तान की तरफ अपन ने भेजा कोई जहाज अपना, तो वो स्टेल्थ मतलब जासूस टाइप का होना चाहिए, मतलब किसी की उसके ऊपर नज़र ना पड़े, ठीक है, मतलब कोई रडार भी उसको डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है। ऐसी कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो ये स्टेल्थ फ्रिगेट होता है, ठीक है। और इसके फीचर्स हैं कुछ, जैसे ये स्टेल्थ फीचर है, सबसे खास तो यही है कि स्टेल्थ फीचर है, रडार भी जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही तो चाहते हैं हम कि रडार भी जो है किसी और कंट्री का नहीं डिटेक्ट करता। स्टील्थ का मतलब ये होता है कि इसमें काम दे रहे हैं। अब जैसी बात है जब ये, ठीक है। अब इसके अलावा ये इंटीग्रेटेड जो भी है कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन वेयर द ब्लॉक्स आर प्री आउटफिटेड बिफोर ज्वाइनिंग टू रिड्यूस द बिल्ड। जो भी है दोस्तों इतना काम का नहीं है ये। व्हेन कमीशनड द प्लेटफॉर्म विल एनहेंस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवल फ्लीट। तो हमारा कॉम्बैट कैपेसिटी जो है वो इंडियन फ्लीट, इंडियन नेवल फ्लीट का बढ़ जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा शौर्य मिसाइल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सक्सेसफुल शौर्य मिसाइल, ठीक है। तो अब थोड़ा सा शौर्य मिसाइल के बारे में भी पढ़ते हैं। अब देखो शौर्य मिसाइल बोला है, अब ये देखो न्यूक्लियर कैपेबल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर कैपेबल चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। UPSC बार बार ट्रिगर करती है इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये सबकी बीमारी का सॉल्यूशन जो है ओडिशा ही है, ठीक है। यहीं पे जाकर के सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे ये लोग, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। शौर्य मिसाइल क्या कह रही है कि ये एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड शौर्य इज़ अ लैंड वेरिएंट ऑफ शॉर्ट रेंज सबमरीन, ठीक है, लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM K-15 सागरिका, विच हैज़ अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 750 किलोमीटर। शौर्य क्या है, ये इसका लैंड वेरिएंट है। लैंड मतलब जमीन पे ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे मिसाइल को हमने खड़ा किया और ये मिसाइल को छोड़ दिया और फिर कहीं किसी और जगह पे जो कि सरफेस पे ही उसने मारा, ठीक है। तो सरफेस टू सरफेस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियरी कैपेबल भी हो गया। मान लो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो मान लो राजस्थान में जो है किसी पोखरण नाम की साइट है, वहाँ से जो है अगर कोई मिसाइल लॉन्च की और कराची या फिर पाकिस्तान में लाहौर वाहौर पे जाके गिरी, तो भाई ये शौर्य मिसाइल कैपेबिलिटी को बताएगी, ठीक है। तो शौर्य मिसाइल को वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसके अलावा ये शौर्य जो है लैंड वेरिएंट है किसका, तो लैंड वेरिएंट है ऑफ शॉर्ट रेंज की सबमरीन जो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, क्या नाम था उसका, SLBM K-15 सागरिका, ठीक है, SLBM K-15 सागरिका, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यार, ये सागरिका नाम से जो है ये मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, उसका ही एक
वेरिएंट है जिसका नाम है शौर्य। क्या है नाम? शौर्य है, शौर्य मिसाइल है, शौर्य मिसाइल है। डीआरडीओ दोस्तों बहुत सारी तरीके के मिसाइल्स बनाता है। ये जो मिसाइल्स हैं आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, मोटा मोटी एक आइडिया तो होना ही चाहिए आपको, कौन सी न्यूक्लियर कैपेबल है, कौन सी इंडिजीनियसली बिल्ट है, कौन सी किस कंट्री के साथ बिल्ट है, इंडिया किसी अदर कंट्री के साथ में क्या रिलेशंस रखता है, और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नेवल एक्सरसाइजेज या एयर एक्सरसाइजेज जो भी है वो सब कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन पेपर में बनता है, ठीक है। फुली न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल को ओडिशा के कॉस्ट से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि शौर्य मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी का एक दूसरा वेरिएंट था, एक्चुअल में आपने सागरिका का नाम सुना होगा। सागरिका शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था, SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका। इसी का लैंड वर्जन है, लैंड वेरिएंट है जिसका नाम है शौर्य, ठीक है। रेंज इसकी लगभग वही 750 किलोमीटर की है, पेलोड 200 से 1000 kg का पेलोड ये मारक क्षमता अपने साथ ले जा सकता है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल के मिसाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जो कोड नेम है वो एक्चुअल में कलाम, मतलब कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से आया था। ये अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किए गए थे। इसके फीचर की बात करें तो ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि एक सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा होता है, उसके अंदर मिसाइल सिस्टम का पूरा सिस्टम होता है। कहीं पर भी इसको लाद के ले जाओ और वहां से इसका यूज कर लो। तो शौर्य जो है जैसे आजकल के मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उसी तरीके से कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरीके से इसके अंदर आराम से स्टोर किया जा सकता है, इसी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये जो भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, कि हमने शौर्य मिसाइल छोड़ी और सामने वाले देश ने या फिर किसी और ने जो भी हमारे विरोधी पार्टी है उन्होंने डिफेंस सिस्टम के तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डाल दिया, तो इसकी ना बहुत ज्यादा मैन्युवरेबिलिटी होती है, मतलब कि हम इसको तुरंत के तुरंत इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरे डायरेक्शन लेके आ सकते हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से ये लेस वल्नरेबल है, मतलब इसका असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये इतना बढ़िया से हम इसको गाइड कर सकते हैं कि तुरंत इसका रास्ता हम चेंज कर देंगे। के फैमिली ऑफ मिसाइल्स की बात करें तो ये सभी प्राइमरली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात होती है, SLBMs सारे के सारे। इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इनको DRDO के द्वारा, और ऐसे मिसाइल्स को 1990 से स्टार्ट किया गया था, और ये इंडिया को न्यूक्लियर ट्रायड बनाने में कंप्लीट कर रहे थे, न्यूक्लियर ट्रायड का वही मतलब। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे ये कुछ एक बातें हैं। एक तो ये शौर्य मिसाइलें बिलोंग टू द के मिसाइल फैमिली से बिलोंग करती है। के मिसाइल फैमिली कौन सी है? जो कि अब्दुल कलाम के नाम पर जो है ये फैमिली डिज़ाइन की थी, ठीक है। मतलब ये इस तरीके की मिसाइल जो है इंडिया में इंडक्ट कराई जाएगी। तो विच आर लॉन्च्ड फ्रॉम अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है, विच आर लॉन्च्ड फ्रॉम अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स। इससे अरिहंत क्लास से ये एक अलग ही क्लास है अरिहंत, ठीक है। अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है उससे लॉन्च की जाती है के मिसाइल्स, ठीक है। उसी का एक सब वेरियंट है, उसका नाम है ये शौर्य मिसाइल। उसी में क्या है कि ये सागरिका वक्रिका ये सब आ रही है। सागरिका बस ये है कि सागरिका के बारे में जैसा कि बताया इसे ही अभी कि ये एक शॉर्ट रेंज की जो है मिसाइल होती है ये भी। इसके बारे में अभी हम पीछे ही पढ़ रहे थे कि सागरिका जो है ये देखो ये बस इसका लैंड वेरिएंट है सागरिका का। सागरिका क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, SLBM बोलते हैं इसको। शॉर्ट रेंज की, छोटी रेंज की होती है, लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट रेंज की होती है ये। शॉर्ट रेंज की क्या होती है बताओ, क्या होती है? शॉर्ट रेंज की सबमरीन में लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये K-15 सागरिका, ठीक है। सागरिका एक कलाम सीरीज की मिसाइल है, ठीक है, उसका नाम K-15 भी है, K-15 सागरिका इसे पूरा बोलते हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, और ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होता है शौर्य में। कैनिस्टर मतलब ये इस तरीके से होता है, बिल्कुल एक सर्कुलर कॉलम सा होता है, उसके अंदर ही फिटेड होती है ये शौर्य मिसाइल। एंड विच मीन्स that it is stored and operated from specially designed compartment, less vulnerable to anti-ballistic missile defense system due to high maneuverability। इसका मतलब है काफ़ी इसकी जब direction है उसमें हम changes ला सकते हैं, तो वो detect कर भी लेगी ना कोई anti-ballistic missile तो भी वो कह कि इसको छू भी नहीं पाएगी, ठीक है, और हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करके आगे बढ़ देंगे। उसके अंदर मिसाइल सिस्टम का पूरा एक तरफ से कंप्लीट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक के फैमिली ऑफ मिसाइल्स की बात हो रही है, तो के फैमिली ऑफ मिसाइल्स आर प्राइमरीली
सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। सो दीज हैव बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड बाई डीआरडीओ। डीआरडीओ ने खुद से ही डेवलप किया है इसको, किसको, के फैमिली के मिसाइल्स को, कलाम के नाम पर, ठीक है। तो ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं यार। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। तो ये बात आपको कुछ कुछ समझ आई होगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है। अब डेवलपमेंट ऑफ दीज मिसाइल्स बिगेन इन द लेट 1990s एज अ स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीटिंग इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब ये है कि दोस्तों तीनों दिशाओं से इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल हो जाए, मतलब चाहे मिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो। मिलिट्री इसका मतलब ये होता है सिर्फ न्यूक्लियर ट्राइड का होने का मतलब। इंडिया हैज़ आल्सो डेवलप्ड सक्सेसफुली टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स K4 मिसाइल। काफ़ी बार इंडिया ने जो है K4 मिसाइल का एक सफल परीक्षण भी किया है, फ्रॉम द फैमिली विच हैज़ रेंज 3500 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है उसको इंडिया ऑलरेडी क्या कर चुका है, उसमें सक्षम हो चुका है, ठीक है, K4 मिसाइल्स में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर ट्राइड का वही मतलब है कि जल, वायु और थल तीनों जगहों से हम मिसाइल्स को दाग सकते हैं, मतलब हम तीनों जगहों से अपने डिफेंस सिस्टम को इक्विप कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया और बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स इसके टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए। K4 मिसाइल सिस्टम का रेंज 3500 किलोमीटर तक का है इस K फैमिली ऑफ मिसाइल्स का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स या फिर विकास बटालियन के बारे में है। एक ही नाम है, मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को विकास बटालियन भी कहा जाता है। क्या कंटेस्ट है? देखो, LEC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी तक जो स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना के बीच, वो पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर था, यानी नॉर्दर्न किनारे पर था। लेकिन पेंगोंग लेक का जो साउदर्न बैंक है, यानी साउदर्न किनारा है, वहाँ पे एक चोटी थी, एक पीक थी, ब्लैक टॉप। पहले देखो, वो ब्लैक टॉप हिल किसी के द्वारा कैप्चर नहीं की गई थी, लेकिन चाइना की जो फोर्सेस हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो उस ब्लैक टॉप पर अपनी ट्रूप्स को तैनात करना चाहती थी, बट इंडिया ने उनके एफर्ट्स को रोक दिया और अब उस ब्लैक टॉप पहाड़ी पर इंडिया की फोर्सेज का कब्जा है। तो आर्टिकल ये कहता है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, इस बटालियन ने अहम भूमिका निभाई चाइना के एफर्ट्स को विफल बनाने में और ब्लैक टॉप जो पहाड़ी है उसको कैप्चर करने में। तो इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था ना, तो उस समय महसूस हुई थी कि इस प्रकार की फोर्स को इस्टैब्लिश किया जाए, और उसी समय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इस्टैब्लिश किया गया था। शुरुआत में ये कवर्ड आउटफिट थी, मतलब पब्लिक डोमेन में इस फोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, और इस फोर्स में तिब्बतियंस को रिक्रूट किया जाता था। आज के समय में इस फोर्स में तिब्बतियन सोल्जर्स हैं और गोरखा सोल्जर्स हैं, और शुरुआत में इनिशियली इसे इस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता था। और ज़रा जानकारी डिस्कस करें इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। वैसे देखो, कैबिनेट सेक्रेटरीट के ज्यूरिडिक्शन में आती है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसको हेड किया जाता है एक इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि आर्मी ऑफिसर होते हैं मेजर जनरल रैंक के। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जो यूनिट्स होती हैं उन्हें विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो यूनिट्स हैं, यानी विकास बटालियंस हैं, क्या आर्मी का पार्ट है? अगर देखो बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम बात करें तो ये आर्मी का पार्ट नहीं है, बट ये आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं, मतलब आर्मी जहां चाहे इन यूनिट्स को तैनात कर सकती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का अपना खुद का एक रैंक स्ट्रक्चर है, जो आर्मी रैंक्स के स्टेटस के इक्विवेलेंट है। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया, जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में, उनकी रैंक आर्मी में मेजर जनरल के बराबर है। ये नीचे कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है जिसमें हिस्सा लिया गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के द्वारा। जैसे ऑपरेशन ईगल, ये कंडक्ट किया गया था जब 1971 में पाकिस्तान के साथ वार कंडक्ट हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघधूत, ऑपरेशन विजय, ये कारगिल के दौरान कैरी आउट किया गया था। इसके अलावा देश में बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपनी भूमिका प्ले की है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, जिसको विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहा जब इंडिया चाइना की ये स्किरमिश काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें कोई पहाड़ी वाड़ी थी
जिसके ये बोल रहे हैं ब्लैक टॉप, वो उसके ऊपर जो है इसने जा करके चाइना के आर्मी को कब्जा करने नहीं दिया, ठीक है। अब खास बात यह आ जाती है कि यार ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है तो ये क्या करती है, क्या ये इंडियन आर्मी के अंडर में आती है? तो दोस्तों ये इंडियन आर्मी के अंडर में जो है नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है ये इसके अंडर में, लेकिन इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको फॉलो करती है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है इनके बीच में। वो अंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो तो तिब्बतन लोगों की है, तिब्बतन या गोरखास की है, ठीक है। और गोरखा अगर आपको पता हो तो गोरखा नेपाल में मिलते हैं और तिब्बतन तिब्बत से आए हुए लोग हैं, ठीक है। एंड इनिशियली वेंट बाय द नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 22, मतलब इसका नाम था। अभी मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था कि हर जो हमारी आर्मी है ना, इंडियन आर्मी हो चाहे हमारी इंडियन नेवी हो चाहे इंडियन एयर फोर्स हो, सब ने अपनी अपनी एक स्पेशल कमांडो फोर्स भी बना रखी है। वो चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो क्या होती है। और दूसरी एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे देखने में आई ये आज कि भाई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी होती है और ये मिलजुल करके काम करती है, ठीक है, इंडियन आर्मी के साथ में। और स्पेशली जो है दोस्तों इसमें और ये एसटीएफ जो है ये बोल रहा है बिल्कुल क्लियर, एसटीएफ जो है स्पेशल जो फ्रंटियर फोर्स है ये फॉल करती है अंडर द परव्यू ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इट इज़ हेडेड बाई एन इंस्पेक्टर जनरल होता है इसका अलग ही, हु इज़ एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल एंड द यूनिट्स दैट कंप्राइजेज ऑफ SFF आर नोन एज विकास बटालियन। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग SFF इज नॉट पार्ट ऑफ आर्मी एंड फंक्शन अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी बट दे फंक्शन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ठीक है। और इनका इक्विवेलेंट बिल्कुल स्टेटस होता है विद आर्मी रैंक्स एंड मेजर ऑपरेशन ये है इसके कि ऑपरेशन ईगल नाम से। अब अगर बात करें तो इसका मेजर ऑपरेशन क्या है, मेजर ऑपरेशन है ऑपरेशन ईगल जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया है अब तक। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या होती है, क्या ये इंडियन आर्मी के अंडर में कंट्रोल्ड में होती है, तो ये नहीं होती है, इनका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के डायरेक्ट अंडर उसमें आती है, ठीक है, परव्यू में आती है। और इसके अलावा हेडेड बाय एन इंस्पेक्टर जनरल, तो ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये ईगल जो भारत सरकार की प्रमुख, अब ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात कर रहा है। अभी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या होती है और ये क्या काम करती है, थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जो नेक्स्ट आर्टिकल, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपनी भूमिका प्ले की है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये एक ऐसा ग्रिड है जो भारत सरकार की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों को जोड़ने वाला एक ही इंटेलिजेंस ग्रिड है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये भारत सरकार की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के डाटाबेस को जोड़ने वाली एक ही इंटेलिजेंस ग्रिड है और इसे हमारी खुफिया एजेंसीज द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, नेट ग्रिड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करता है। अगर मैं पावर से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो मैं नेट ग्रिड इन पावर यानी सोलर पैनल की बात कर रहा हूं। अगर मैं नेट ग्रिड वाटर से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो मैं रिवर लिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं नेट ग्रिड इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो मैं सुरक्षा एजेंसियों की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का भी नेटग्रिड जो है इंटेलिजेंस नेटग्रिड कह रहे हैं हम इसे। इन्होंने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ में। अब ये NCRB क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी के लिए इतना समझिए नेटग्रिड ये MOU साइन करने के बाद में एलिजिबल हो जाएगा जितना भी सेंट्रलाइज जो ऑनलाइन डेटाबेस होगा। अब सेंट्रलाइज जो ऑनलाइन डेटाबेस में क्या आएगा, FIRs आएंगे, स्टोलन व्हीकल्स की डिटेल्स आएंगे, सस्पेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे, ये सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए नेटग्रिड एलिजिबल हो जाएगा ये MOU साइन होने के बाद में। ये MOU नेटग्रिड को ये भी प्रोवाइड करेगा कि जितना भी CCTNS रिलेटेड डेटाबेस है वो भी एक्सेस कर सके। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को हम CCTNS कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिकली होता क्या है, पुलिस के पास आप जब FIR दर्ज कराने जाओ तो ये पुलिस के पास, ऑल स्टेट पुलिस के पास ये मैंडेट हो जाएगा कि आप FIR की रिपोर्ट CCTNS डेटाबेस में अपलोड करें, ठीक है। यानी अगर ये एक्सेस मिल रहा है नेटग्रिड को, कोई भी सस्पेक्ट की जन्म कुंडली ये निकाल सकते हैं, जैसा कि इसका नाम क्या है, इसके फादर का नाम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, आधार कार्ड डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स, ये सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब ये नहीं है कि वो स्टेट पुलिस को कांटेक्ट करें फिर इनसे डाटाबेस शेयर करने लगाए, यानी ये एक ऐसा CCTNS नेटवर्क है, ये डेटाबेस है, ये हर स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स FIRs के रूप में रजिस्टर कराएंगे।
सो दैट इजीली कहीं भी बैठे हुए हैं कोई भी स्टेट में या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी चाह रही है कि ये डेटाबेस को एक्सेस करना, दे कैन इजीली एक्सेस एक मेन डेटाबेस से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग ईच एंड एवरी स्टेट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये कुछ खास बात है जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में देखने को मिल रही है। ये एक्चुअली एक बिल्कुल हब एंड स्पोक जैसे मॉडल नहीं होता, ये हब एंड स्पोक ठीक है मॉडल होता है ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ये एक सेंट्रल बिल्कुल ग्रिड बन जाएगी ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है। अब क्या है इसके पास जो है सारा का सारा डाटा आने वाला है किसका, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। सिर्फ ये दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो तक ही सीमित नहीं है, लेकिन दोस्तों जहाँ तक इसका यूज़ है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में किया जाता है ठीक है। हालांकि यहाँ पे बताया गया है जिस हिसाब से तो वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में है, ये NCRB जो बॉडी है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका सारा डाटा इसमें अपलोड किया जाएगा और बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड एक ऑनलाइन डाटा बेस तैयार किया जाएगा जिसमें सारी पूरे देश में अलग अलग जगहों पे जो FIR हो रही है या फिर स्टोलन व्हीकल्स की रिपोर्ट है, जो भी नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है, चोरी डकैती सब कुछ ठीक है। MOU विल गिव नेट ग्रिड एक्सेस टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, एक और एजेंसी है जो चल रही है तो उसकी जो है एक्सेस कर पाएगा नेट ग्रिड ठीक है। ये एक डाटा बेस है ठीक है, ये डाटा बेस है खुद में CCTNS, शायद UPSC पूछ चुकी है या नहीं पूछ चुकी है पता नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है ठीक है। CCTNS जो है ये खुद में एक डाटा बेस है जिसके अंदर ये सारे क्राइम्स और क्रिमिनल ट्रैकिंग के नेटवर्क और उनका सिस्टम है उसकी डिटेल्स होती हैं इसके अंदर में, ये सारे FIR और स्टोलन व्हीकल्स के डाटा होते हैं ठीक है। एंड ऑल स्टेट पुलिस आर मैंडेटेड टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द CCTNS। FIR जो है हर पुलिस स्टेशन अब से जो जितनी भी FIR उसके थाने में होती है उन सबको रिपोर्ट करेगा इनको, किसको, नेट ग्रिड वालों को ठीक है। और नेट ग्रिड वालों को नहीं, वो डायरेक्ट पहले CCTNS में डालेगा और CCTNS से नेट ग्रिड को पता चल जाएगा कि कहीं पे क्या घटना घटित हो रही है। तो MOU इनेबल्स करता है नेट ग्रिड टू गेट, मतलब ले दे के बात ये है कि अगर बात की जाए तो एक तरफ तो है नेट ग्रिड, दूसरी बीच में CCTNS और नीचे के लेवल पे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन वाले CCTNS कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ होगा या पोर्टल होगा उसमें अपलोड कर देंगे क्या FIR रिपोर्ट के बारे में, और फिर ये जो है नेट ग्रिड वाले इससे एक्सेस कर लेंगे डाटाबेस सारा ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग ईच एंड एवरी स्टेट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। नेटग्रिड के बारे में बता दूं कुछ आपको, नेटग्रिड एक ऑफिस है जो अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। ये इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंस ग्रिड है जो कि कनेक्ट करेगा जितने भी कोर सिक्योरिटी एजेंसी से इनके डेटाबेस को। इसको पहली मरतबा प्रपोज किया गया था मुंबई टेरर अटैक्स 2008 के बाद, और ये असिस्ट करेगा इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। यानी इसका मतलब ये है नेटग्रिड अगर असिस्ट कर रहा है इंटेलिजेंस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, हमारा मकसद ये है कि टेररिज्म से लड़े, टेरर से लड़े, टू काउंटर टेरर। नेटग्रिड 10 यूजर एजेंसीज को लिंक करेगा और ये डेटाबेस 21 ऑर्गन। तो दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए इस तरीके की, यार जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है और इंटरनल एक्चुअली सिक्योरिटी का मैटर होता है तो वो जनरली ऑब्वियस सी बात है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही आने वाला है ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में तो आएगा नहीं ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंटरनल मैटर का मामला है और ये सन 2008 की बात है जब मुंबई टेरर अटैक हुए थे, जो 26/11 हम बोलते रहते हैं ठीक है। तो वो अटैक जो थे ठीक है, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट जगी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये नेटग्रिड नाम से एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे पूरे देश की पुलिस जो है अपनी अपनी FIR, अपने अपने क्रिमिनल जो भी वहाँ पे क्राइम सीन बन रहे हैं अलग अलग स्टेट, फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अलावा रूरल विलेजेस एरियाज,
ठीक है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, तो उसका पूरा एक डाटा बेस आ जाए कि एक बारी में सर्च करें और पता चल जाए फटाफट से कि भाई कौन है जिसने क्राइम सीन किया है, ठीक है, कौन अक्यूज्ड है और कौन विक्टिम है, इसके साथ क्या हुआ है, ये सब चीज़ें सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और ये असिस्ट करता है इंटेलिजेंस को एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, केस को सुलझाने में भी मदद कर मिलती है। हो सकता है कि किसी तरीके का इंसिडेंट मान लो जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो उसका पता जो है साउथ में केरला में भी पता चल रहा होगा। ऐसा ही जो है दिल्ली में हुए इस इंसिडेंट की घटना का अगर पहले से कोई रिकॉर्ड है, तो वहाँ की पुलिस ने उस केस को कैसे सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम जो है मुंबई में बैठे हुए पुलिस थाने में भी पता चल जाएगी। तो वो भी उस नीति का यूज़ करके फास्ट से फास्ट जो है उस केस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये और बेहतरी की तरफ बढ़ेगा हमारा देश इससे, ठीक है। तो नेटग्रिड विल लिंक 10 यूज़र, इसमें क्या बोल रहा है, अल्टीमेट एम है टू काउंटर करना टेरर को, ठीक है। ये है एक तो एम, और इट विल असिस्ट इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन एंश्योरिंग नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है। नेटग्रिड यहाँ पे बोल रहा है कि जो डाटा बेस इन्वॉल्व करता है वो डाटा रिलेटेड टू क्रेडिट डेबिट कार्ड की देखो डिटेल्स हो सकती है, टैक्स, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, एयरलाइन एंड रेलवे टिकट्स और पासपोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और ड्राइविंग लाइसेंस होता है। सो इट विल बी अवेलेबल फॉर वेरियस सेंट्रल एजेंसीज के लिए, तो उनके लिए भी अवेलेबल होगा ये काफ़ी, हमारी जो इंडिया की जैसे डिफरेंट सेंटर की एजेंसीज है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, आपने इंटरव्यू भी दिए होंगे, कई होंगे स्टूडेंट जो आईबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भी होती है, ठीक है, रॉ, अगर रॉ में जाना चाहते हो तो आपको आईबी जैसी इंस्टीट्यूशन में एंटर करना पड़ता है, आपको पता ही होगा, या फिर आपको सीबीआई जो है उसमें सेलेक्ट होना पड़ता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। या ये इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी एक है, मतलब उसको भी अगर इसके अलावा एटसेट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब और भी बहुत सारी एजेंसीज़ है, ठीक है, जहाँ पे क्या है ये इस डाटा बेस का यूज़ किया जा सकेगा और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा, ठीक है। कि इंडिया में जो है इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो इस तरीके का सिस्टम होना बहुत अति आवश्यक है, और इसके ऊपर काम अब चल रहा है, ठीक है। जो MHA है, अनाउंस्ड दैट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटग्रिड प्रोजेक्ट विल गो लाइव By 31st December 2020 ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करेगा। और ये डेटाबेस होता क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ डेटाबेस में डाटा होगा रिलेटेड टू क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, टैक्स, टेलीकॉम, इमिग्रेशन, एयरलाइंस, रेलवे टिकट्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, इसे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा ये सारा नेटग्रिड में या CCTNS में रजिस्टर करवा दिया जाएगा। सो दैट एट द टाइम ऑफ अ नीड, जब भी हमें जरूरत पड़ी है केस टू केस बेसिस पे, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक्सेस कर सके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी एक्सेस कर सके, या अगर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी जरूरत पड़ी कि ये डेटा को हासिल करना, ये भी एक्सेस कर सके। इसीलिए तो हम नेटग्रिड बना रहे हैं। और MHA ने रिसेंटली अनाउंस किया है 31st December 2020 तक नेटग्रिड का प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा। अब ये NCRB क्या है, NCRB MHA के अंतर्गत आती है, जिसको सेटअप किया गया था 1986 में। ये सारी इंफॉर्मेशन क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा NCRB में। इससे मदद ये होगी जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये आराम से एक क्राइम दूसरे क्राइम से रिलेट कर सकते हैं, और क्राइम रिलेट कर लिए मतलब क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको सेटअप किया गया था बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, और सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स जो है इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था कि NCRB जैसी कोई एजेंसी होना चाहिए हमारे पास। 2009 में NCRB के पास और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जितने भी CCTNS प्रोजेक्ट रिलेटेड मॉनिटरिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो या इंप्लीमेंटिंग हो, ये सारा का सारा काम NCRB के जिम्मे दे दिया है। CCTNS इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत आती है। इसका एम ये है कि 15,000 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करें और 6,000 हायर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस इन द कंट्री को कनेक्ट करें। CCTNS का एम ये है कि कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम को क्रिएट किया जा सके, सच दैट ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ये सारा का सारा काम CCTNS करेगी। यही मकसद था CCTNS एस्टैब्लिश करने का। तो दोस्तों ये जो NCRB बॉडी है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लो, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है।
ये सेटअप की गई थी 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, ठीक है, टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले तो क्या थे, रिटर्न में जो है डाटाबेस था, ठीक है, अब वो रिटर्न से थोड़ा बेहतर क्वालिटी में जो है डाटाबेस तैयार हो पाए, ठीक है, उसके लिए अब ये इन्होंने इस तरीके से सिस्टम किया कि ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ही डेवलप कर दिए। इस ग्रिड के थ्रू क्या होगा, इस सारे पूरे देश का जो डाटाबेस है वो एक ही जगह पे हो जाएगा, उससे किसी भी पुलिस स्टेशन को कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वो निकालना आसान हो जाएगा। तो ये सेट किया गया था NCRB की बॉडी, इसमें क्या बता रहा है, रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर, ठीक है। क्राइम एंड क्रिमिनल जो है रिपोजिटरी थी ये ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर, ठीक है। इसके अलावा इसकी रिकमेंडेशंस थी दी गई थी नेशनल पुलिस कमीशन 1977-81 के द्वारा और MHA टास्क फोर्स के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। अब 2009 की बात करें तो NCRB जो होती है वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द CCTNS प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सन 2009 की बात है, तब हुआ ये कि NCRB वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द CCTNS प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्राइम एंड क्रिमिनल के जो केसेस हैं उसको फिलअप करने के लिए ये कुछ जो CCTNS प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसकी सारी कंट्रोलिंग, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है NCRB को दी गई थी। अब CCTNS इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट है, क्या है, अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कई बार कि ये यार CCTNS प्रोजेक्ट चल रहा है ये किसके अंडर में चल रहा है। तो नेशनल ई गवर्नेंस का एक ऑलरेडी प्लान चल रहा है इंडिया में, ठीक है, उसके अंडर में CCTNS प्रोजेक्ट चल रहा है। अब ये CCTNS की जिम्मेदारी NCRB की एक बॉडी है, डिपार्टमेंट है, उसको दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर में 15,000 पुलिस स्टेशन, 6,000 हायर ऑफिसर्स आते हैं ऑफ पुलिस इन द कंट्री, ठीक है। CCTNS का एम क्या है, आखिर एम है कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम को डेवलप करना फॉर एनहेंसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग थ्रू अडॉप्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ई गवर्नेंस एंड क्रिएशन ऑफ द नेशन वाइड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये सब करने के लिए था। से भी ज्यादा पुलिस, बस इतना ही था दोस्तों इसे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के अंडर में। अब हम एक बारी PDF पे चलते हैं और फटाफट से जो है हम PDF से रिकॉल कर लेते हैं जितना पढ़ा, ठीक है। अभी काम की चीजें हैं उसको हाईलाइट कर लेंगे अपन, ज्यादा बेकार की चीजों को कवर अप नहीं करेंगे। ये एक्स इंदिरा प्रोजेक्ट है 2020, ये किसके बीच में, इंडिया रशिया के बीच में, ठीक है। क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, क्या होती है, ट्राई एक्सरसाइज होती है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है। ये सन 2017 से कंडक्ट हो रही है, अभी बहुत बातचीत चलती थी इंडिया रशिया के बीच में कि भाई हम ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करेंगे कंडक्ट, ठीक है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है बिटवीन इंडिया और रशिया है और सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बिगेन इन 2003 में, मतलब इंडिया और रशिया के बीच में ना सीरीज ऑफ एक्सरसाइज हो रही है सन 2003 से ही, ठीक है। और इन्होंने क्या है, अभी अंडमान सी आपने देख ही लिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है क्लोज है बिल्कुल टू द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के, ये पता ही चल गया होगा आपको। और यहाँ पे जो है क्या है, कंटिजेंट फाइटर एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एज वेल एज शिप्स ऑफ रेस्पेक्टिव आर्मी एयरफोर्स नेवी पार्टिसिपेट, ठीक है, तीनों ने पार्टिसिपेट किया था इन द एक्सरसाइज ऑफ 10 days की चली थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो होती है ये क्या होती है, ये अगर देखिए तो सीमा पे होती है ये भी दोस्तों। अभी स्किरमिश जो हुई थी इंडिया चाइना के बीच में जो भी लद्दाख के रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हमारे जवान थे वो लगे खड़े हुए थे, तो वो उनमें से कुछ तिब्बती थे कुछ जो है गोरखा थे, ठीक है, वो उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना हमारे देश की बाउंड्रीज को, ठीक है। तो ये इसको विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स
क्योंकि नाम नया है, अपन ने पढ़ा भी नहीं होगा कई स्टूडेंट्स ने, तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है कई बारी। हैज़ बीन सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। सो SFF वॉज एस्टेब्लिश इन 1962 में, 14 नवंबर 1962, इन इमीडिएट आफ्टर ऑफ 1962 साइनो इंडिया वार के बाद में, ठीक है। इट वॉज अ कोवर्ट आउटफिट विच रिक्यूट्स तिब्बतन, ठीक है, तिब्बतन को होता है, मिक्सचर होता है तिब्बतन और गोरखास का, एंड इनिशियली वेंट नेम ऑफ, शुरुआत में इसको एस्टेब्लिशमेंट 22 नाम दिया गया था, ठीक है, बाद में नाम चेंज किया था, और ये अंडर फॉल्स करता अंडर द परव्यू ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मतलब सारी की सारी इनकी कंट्रोलिंग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से हो रही है, ठीक है। ये आर्मी के अंडर में नहीं आते, नॉट पार्ट ऑफ आर्मी, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वेयर इट इज़ हेडेड बाई द इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, विच इज़ एन आर्मी ऑफिसर होता है ऑफ द रैंक मेजर जनरल के बराबर का, एक आर्मी ऑफिसर होता है। द यूनिट्स दैट कंप्राइजेज द SFF आर नोन एज विकास बटालियन, ये इसका नाम विकास बटालियन, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसका नाम क्या है, विकास बटालियन भी है, फंक्शन अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी। तो ये जो है फंक्शन भी कर रही है किसके अंडर में, ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, ठीक है। द यूनिट हैज़ बीन हैज़ देयर ऑन रैंक स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पे, विच हैव इक्विवेलेंट स्टेटस विद आर्मी रैंक्स, ठीक है। द यूनिट्स का जो है ना बिल्कुल इक्विवेलेंट स्टेटस होता है, बिल्कुल जो आर्मी में रैंक होती है ना वैसी ही रैंक होती है, लेकिन ये आर्मी के अंडर में नहीं आती, ये ध्यान रखना। और बट दे फंक्शन अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्मी, लेकिन ये जो आर्मी के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी जाती है उन सबको फॉलो करती हैं ये, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। बाकी इनका यहाँ यहाँ पर भी रोल रहा है, 1971 में जो है ऑपरेशन ईगल हुआ था, आप याद रख सकते हो कि भाई ये ऑपरेशन ईगल क्या है, जो ईगल हुआ था वो 1971 में जो पाकिस्तान से वॉर हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट में, ठीक है, तब की बात है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, ब्लू स्टार तो आपको पता ही होगा, ये अमृतसर गोल्डन टेंपल में 1984 में, तब भी स्पेशल ये जो फ्रंटियर फोर्स थी वो गई थी, ये इंडिया की बहुत स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, ठीक है। एक ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, ये सियाचिन में हुआ था 1984 में, एंड ऑपरेशन विजय मतलब पाकिस्तान और में हुआ था, वार विद पाकिस्तान एट कारगिल इन 1999 एंड मेनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द कंट्री, तो नोवी चोक एंड द CWC। अब ये कुछ अलग सी चीज़ है, इसमें देख लेते, जर्मनी सेज वॉज यूज टू पॉइजन एलेक्सी नेवलनी द क्रिटिक ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, हाँ सही है। अकोमा इन बर्लिन हॉस्पिटल में, द नेम नोविचिक मीन न्यू कॉमर इन रशिया, यार इस ये बंदा काफ़ी फेमस हो रहा है दोस्तों रशिया में, एक्चुअली ये व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट जो है खड़ा हो गया और लोगों को बोल रहा था कि रशिया के ये जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया है, घोटाला किया है, और ये क्या है कि अपने ड्रोन उड़ाता था, और ड्रोन उड़ा करके जा करके जो व्लादिमीर पुतिन के जितने भी घर हैं वो दिखाता था कि ये जो सारे हैं बंगले हैं व्लादिमीर पुतिन ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए खुद के लिए बना रखे हैं, तो ये करप्शन को उजागर कर रहा था व्लादिमीर पुतिन के। और ये न्यू कमर नाम से ना जाना जाता है, इसका मतलब होता है न्यू कमर इन रशिया एंड अप्लाइज टू अ ग्रुप ऑफ एडवांस्ड नर्व्स एजेंट्स डेवलप्ड बाय द सोवियत यूनियन 1970-1980। हाउ वॉज इट डेवलप्ड, एक्चुअली जर्मनी ठीक है, ये न्यू कमर जो है ये एक दोस्तों मेडिसिन है ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो है इसका जहर जो है इसको दिया गया था। हालांकि दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बंदे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये और सोवियत प्रोग्राम कंडेम फोलियंट एंड पाउडर एरोसोल एंड मोर लीथल देन नर्व एजेंट्स, ये दोस्तों कंट्रोवर्सी चल तो रही थी, लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि UPSC इस पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान। रशिया इज़ बिलीव्ड टू हैव नेवर डिक्लेयर्ड नोविचोक और इट्स इंग्रेडिएंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW एंड ओवरसी अ
treaty banning their use. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. अभी ये समझ नहीं आ रहा क्या है ये. अच्छा ये तो बॉडी है, ये बात तो मैं मानता हूँ. नोविचोक नाम से दोस्तों बस ड्रग है, इसके बारे में ध्यान रखना आप. और इसको जो है इस बंदे को दे दिया गया था. थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगी इसके नाम की, एलेक्सी नवालनी. ठीक है, ये इसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, इसके 8-10 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं. आप जाकर के देखोगे तो पता चल जाएगा आपको इसके बारे में. और ये रशिया, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि रशिया के गवर्नमेंट ने जो है ये नोविचोक नाम से जो भी ड्रग है वो इसको दी थी, जो कि एक इंग्रेडिएंट है टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स विच ओवरसीज अ ट्रीटी बैनिंग देयर यूज. जो भी है दोस्तों ये कुछ इस तरीके की ट्रीटी है जो कि बैन करती है. आपने पढ़ा भी होगा पहले भी OPCW के बारे में. ये ध्यान रखना OPCW का हेडक्वार्टर हैग में, नीदरलैंड में. मैंने कल मैप में भी बताया था आपको पिछली करंट अफेयर की वीडियो में कि नीदरलैंड है मैप पे लोकेटेड, बिल्कुल बेल्जियम के पास में ही है. ठीक है, जो कंट्री है वो है नीदरलैंड. और इसको 2013 में ना नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था इस बॉडी को, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. एक्चुअली दोस्तों इस पे UPSC पहले क्वेश्चन पूछ भी चुकी है मुझे जहाँ तक ध्यान है. और इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997. ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द केमिकल वेपन कन्वेंशन, यही वो बॉडी है जो कि इम्प्लीमेंट करवा रही है ये 1997 का केमिकल वेपन का कन्वेंशन है. 193 मेंबर्स है इसके इंक्लूडिंग इंडिया. और टू प्रमोट करता है एंड वेरीफाई करता है द एडहेरेंस टू द केमिकल वेपन कन्वेंशन विच प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन एंड रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन. केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या होता है अब ये देख लो आप. इसमें होता यही है कि इट इज़ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैन्स केमिकल वेपन्स. क्या है ये, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बैन करती है केमिकल वेपन्स को एंड रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. अब 193 स्टेट पार्टीज है इसकी. ठीक है, ये एक खास बात है, वो नेशंस एंड करंटली है 193 स्टेट्स पार्टीज होती है. और इसराइल हैज साइंड बट हैज येट टू रेटिफाई द कन्वेंशन. इसराइल साइन तो कर चुका है इसको बट हैज टू रेटिफाई ये द कन्वेंशन. और नीदर साइंड नॉर रेटिफाइड द कन्वेंशन. मतलब तीन ऐसी स्टेट है जिसने ना तो साइन किया है ना ही रेटिफाई किया कन्वेंशन को. उस समय इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, ये तीन ऐसे नेशन हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक ना साइन किया ना इन्होंने रेटिफाई किया. और 193 स्टेट पार्टीज है जिन जो टोटल मिला करके जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है, रेटिफाई भी किया हुआ है. इंडिया ने तो इसको साइन भी कर रखा है, रेटिफाई भी किया हुआ है. इसराइल साइन तो कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, येट टू रेटिफाई द कन्वेंशन. और इसको जो OPCW ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको 2013 का नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ था. ठीक है, अभी ये असम राइफल की बात करने लग गया यार, कवर तो किया नहीं. ओके, इट वॉज फाउंड इन 1935 मिलिट्री गोल्ड काचर ले हुए एंड वेरी प्रोटेक्टिविटी स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया एंड ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं. इसमें रिमेंबर करने वाले हो, देर आर 7 CAPF इन इंडिया. ओके, ये चीज़ दोस्तों बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. CAPF आप काफ़ी बार आप लोग फॉर्म भरते भी होंगे ये फॉर्म. ठीक है, CAPF का UPSC के अंडर में ही कंडक्ट होता है इसका एग्ज़ाम. उसके थ्रू जो है आप ये जो 7 बॉडी है ना इंडिया की उसमें जाते हो, या तो असम राइफल में जाओगे या
चलो इसको छोड़ देता हूँ, मैं टिक नहीं करता, बट असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र बीमा सीमा बल, ठीक है। तो इसके इस तरीके से दोस्तों काबिलियत के आधार पे इनमें से फिर किसी एक में जो है आपको भेजा जाता है, ठीक है। ये हाइपरसोनिक आप देखते हैं, ये जो अपन ने पढ़ा भी था, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है HSTDV, ये बहुत हाइपरसोनिक स्पीड पे जो 6 मैक की स्पीड है उस पर भागता है ये, ठीक है। और इसमें क्या था, ये अनमैंड था स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है, अनमैंड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट दैट कैन, वो अभ्यास अलग था दोस्तों, ध्यान रखना अभ्यास अनमैंड ही था, वो भी अनमैंड एयर व्हीकल था, लेकिन ये अनमैंड ही है और स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है, सब DRDO के अंडर में चल रहा है, ये तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग का इसमें स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी होती है, वेलोसिटी ऑफ 6 times होती है, इस वजह से ये 6 Mach पे काम कर रही है और कैरियर व्हीकल होता है फॉर हाइपरसोनिक एंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल एंड विल हैव मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशन, ठीक है भाई। इसका ये लॉन्ग रेंज का क्रूज मिसाइल के लिए ये काम करेगी हमारे लिए, और मल्टीपल इसके सिविलियन भी एप्लीकेशन है एफिशिएंट, ठीक है, जैसे एयर डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर ऑफ फॉर एयर डिफेंस सर्विलेंस रिसाइड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लो कॉस्ट एंड रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से जो है ना, ये व्हीलर आइलैंड के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ से ये मिसाइल छोड़ी गई थी। 4th country बन गया अब इंडिया USA रशिया चाइना के बाद में जो कि इस तरीके का टेस्ट कंडक्ट करा रहा है ये हाइपरसोनिक वेलोसिटी पे। एयर ब्रीथिंग इंजन है अगर इसकी बात करें दोस्तों, ये क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये रैम जेट होता है एक, तो एक स्क्रैम जेट होता है और उसके भी ऊपर एक ड्यूल मोड रैम जेट भी होता है दोस्तों, ठीक है, ये और स्पीड पे भागता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रैम जेट जो है एयर ब्रीथिंग का जेट इंजन है और इस सुपरसोनिक रेंज में काम करता है, सुपरसोनिक स्पीड को पकड़ता है ये मोस्ट एफिशिएंटली, नॉट एफिशिएंट एट सबसोनिक स्पीड। और इम्प्रूवमेंट ओवर रैम जेट के इंजन पे थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसको अलाउ कर दिया सुपर, और ये क्या है ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड और अलाउ करता है ये साथ में सुपरसोनिक कम्बस्चन को भी। क्या नाम है इसका, स्क्रैम जेट राम जेट, ठीक है, ड्यूल मोड रैम जेट, ये भी ध्यान रखो आप। ड्यूल मोड रैम जेट जो होता है इज़ अ टाइप ऑफ जेट इंजन है विच वेयर अ रैम जेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्क्रैम जेट में ओवर Mach 4 to 8 रेंज में, ठीक है, एक ड्यूल मोड का रैम जेट बन गई है। तो विच मीन्स इट कैन एफिशियंटली ऑपरेट बोथ सुपरसोनिक एंड सबसोनिक भी आ जाता है एंड सुपरसोनिक कम्बस्चन मोड, हर मोड को ये संभाल लेता है ये ड्यूल मोड, जब तेज होना है तेज हो जाएगा, जब धीरे होना है तो धीरे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यूल मोड का रैम जेट होता है, ये रैम जेट है, स्क्रैम जेट है, और यहाँ पे ड्यूल मोड रैम जेट है, और यहाँ पे एयर ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर से खींच लेता है ये, टर्बो जेट लगा होता है, टर्बो प्रोप रैम जेट पल्स जेट जो भी है ये सब लगे होते हैं, लाइटर एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट बाय मल्टी स्टेज्ड सैटेलाइट, ठीक है, बिल्कुल लॉन्च किया जा सकता है, सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं सब भाई, मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है यहाँ पे, दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड दीज लॉन्च व्हीकल्स जो होता है कैरी ऑक्सीडाइजर्स अलॉन्ग विद द फ्यूल, ठीक है। P7 करके इसने बदला था, ऊपर से पैराशूट छोड़ेंगे और वो पैराशूट नीचे आएगा, DRDO तैयार कर रही है इसको, इससे क्या होगा इससे नीचे सामान पहुंच जाएगा मिलिट्री के पास, जो इंडियन आर्मी है उसका इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी 100% क्या है इंडिजिनस रिसोर्स से बना हुआ, और प्लेटफॉर्म है स्पेशलाइज्ड जो है पैराशूट सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड पैराशूट सिस्टम एंड पैरा ड्रॉपिंग जो है मिलिट्री स्टोर्स अप एंड 7 ton वेट क्लास है ये 7 ton, तो ये 60 ton की बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि P7 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 7 ton P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है तो तैयार किया जाएगा। पैराशूट सिस्टम होता है इसमें और मल्टी स्टेज का सिस्टम कंप्राइज 5 main जो होता है कैनोपीज एंड 5 brake शूट्स होते हैं यहाँ पे, 2 auxiliary chutes एंड extractor parachutes एंड प्लेटफॉर्म, तो इन
मेटेलिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और स्टील अलॉय। अभी प्रोजेक्ट 17 ये था, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, तब जो है ये पता चल रहा था कि इसके अंडर में कुछ जहाज बनाए जा रहे हैं। स्प्लिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लीट फ्लीट, फ्लीट इंडियन नेवल फ्लीट तैयार किए जाएंगे, एनहेंस करेगा कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन। T-17 जो है थर्ड, ये इसका पहले प्रोजेक्ट 17 नाम से भी चल रहा था। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, सबसे मेन बात तो ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसको तैयार करता है जो कि मिलिट्री में काम आते हैं, और इसमें से जो है रॉकेट भी छोड़े जा सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ खास बातें थी, वर्टिकली सरफेस टू एयर उसमें भी छोड़ा जा सकता, सरफेस टू सरफेस भी छोड़ा जा सकता है इसमें, ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टील है, रिंग्स बिल्ट यूजिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टील एंड फिटेड विद वेपन एंड सेंसर्स एंड अलॉन्ग विद द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम एंड हैविंग स्टेल्थ फीचर्स होता है यहाँ पे। सो दीज, सबसे खास बात तो यही निकल के आ रही है कि स्टेल्थ फीचर है इसमें, ठीक है। इसका इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, डिफर करता है इन द वेरी कंसेप्ट ऑफ वारशिप बिल्डिंग बाई वे ऑफ अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ब्लॉक आर प्री आउटफिटेड होता है बिफोर ज्वाइनिंग टू रिड्यूस द बिल्ड पीरियड ऑफ वारशिप्स। यहाँ पे INS विराट है, अब उस पर आ जाते हैं अपन। फिटेड है विद वेपन सेंसर्स होता है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, इंडिजीनियस डेवलप्ड स्टील होती है, यूज होती है यहाँ पर। हैव लेड द नील ऑफ द शिप्स, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। INS विराट की बात करते हैं अभी, ये डीकमीशन हो चुका है यार, अब पूछेगा नहीं यार इससे, कम ही चांसेस है। ये HMS हरमेस करके जो है ब्रिटिश नेवी में पहले था, वहाँ पे 25-30 साल सर्विस, 30 साल वहाँ पे सर्विस दी, अब इंडिया में भी 25 साल की सर्विस दी है, ऐसा कुछ है इसका, ठीक है। उन्होंने अपने जहाज को ही भेज दिया था इंडिया को, ठीक है, और इसके द्वारा जो है काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए गए थे, जैसे कि ऑपरेशन जुपिटर है 1989, जो कि 1989 में श्रीलंका पीस कीपिंग ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन पराक्रम नाम से भी 2001-02 में लॉन्च किया था, टेरर अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, तब भी कुछ था इसका। ये कुछ ध्यान रखना, वरुण जो है फ्रांस के साथ हो रही है, बाकी ये नसीम अल वहार जो होता है ना लोग भूल जाते हैं, ओमान नेवी, ठीक है। तो जहाज जाते हैं, हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये ज़रूर अच्छी बात है जो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराती है, ठीक है। हु कंट्रोल द सी इज़ द पावरफुल, इसका मोटो है। क्या नाम है इसका, सेकंड सेंचोर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था, सर्विस फॉर 30 इयर्स, ठीक है। INS विराट द डीकमीशनड एयर कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ बिगन इट्स लास्ट जर्नी फ्रॉम मुंबई। ओके, अभी अभ्यास नाम से भी पढ़ रहे थे हम, अभ्यास एयर व्हीकल है ये, DRDO के द्वारा तैयार किया गया है, हाई स्पीड का एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वॉज टूडे कंडक्टेड बाई DRDO, ठीक है। इंटरिम बालासोर नाम से साइट है ओडिशा में, वहाँ पे दो ही साइट है जिनका नाम आता है ज़्यादातर मिसाइल से लॉन्च करने में, या तो अब्दुल कलामा आइलैंड हो गया, ठीक है, या फिर ये बालासोर के कोस्ट की बात करता है। ये डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा DRDO, ठीक है। और फीचर इसके क्या है कि ड्रोन UAV होता है दैट विल बी यूज्ड एज अ टारगेट फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम्स। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो DRDO के अंडर में ही काम करती है, उस बॉडी ने इसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया है, और इट इज़ अ ड्रोन है, UAV है, जो कि इंडिया अपने इससे खुद से डेवलप कर रही है। इसमें ना एक मेट ये सिस्टम यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा सा नाम काम का लग रहा है मुझे, माइक्रो इलेक्ट्रो
मैकेनिकल सिस्टम जो है, क्योंकि इसमें जो है ना मैकेनिकल के साथ साथ जो है केमिकल का भी यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल दो जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दो चीज़ जो का कॉम्बिनेशन है जो यूज़ होता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। और उसका यूज़ करके जो है इस एरियल व्हीकल का को उड़ाया जाता है, ठीक है। अभी बालासोर में उड़ीसा में जो इसके एक्सपेरिमेंटल चल रहे हैं, और बेस्ड इंटरनल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है फॉर नेविगेशन बाई माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन। सो MEMS इज अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइस और सिस्टम से, सो दैट कंबाइन करता है यहाँ पे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इट इज़ अ लाइट वेट एंड रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए प्रोग्राम किया जाता है इसको, ठीक है। इसको जो है प्रोग्राम किया जाता है फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से ऑटोनोमसली ही वर्क करता ही है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको छोड़ दो, ये जहाँ पे टारगेट करना होगा टारगेट करके आ जाएगा, ठीक है। एज अ टारगेट फॉर इवेल्यूशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये जो एजेंसी है ना ये डिज़ाइन लेबोरेटरी है किसकी, और स्टार्ट ऑफ द आर्ट अनमेंड एरियल व्हीकल पे काम करती है, एंड एरोनॉटिकल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एयर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अभी यहाँ पे बात हो रही है पृथ्वी शॉर्ट, हम इसकी भी बात कर रहे थे, पृथ्वी शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज की जो पृथ्वी 2 के नाम से जानी जाती है, ठीक है। DRDO ने डेवलप किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये सब कुछ चल रहा है इसका, ठीक है। 350 इसकी किलोमीटर तक की रेंज है, और लिक्विड प्रोपोर्शनल ट्विन इंजन है इसमें, ठीक है, और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, विच वाइल द वारहेड यूजेज अ रडार कोरिलेशन टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम। So it is India's first developed and inducted indigenous surface to surface जो है सैटेलाइट मिसाइल है, मतलब ये फर्स्ट जो है डेवलप्ड एंड इंडक्टेड इंडिजिनस सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, और DRDO अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पृथ्वी 2 के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर आर्मी है सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, ठीक है भाई। तो द सिंगल स्टेज जो है लिक्विड प्रोपेल वेपन विच वॉज इंडक्टेड इंटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन 2003 में, सो कैरिंग कैपेसिटी इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग 500 to 1000 केजीज ऑफ वारहेड्स, 500 to 1000 केजीज ऑफ वारहेड्स होता है न्यूक्लियर एज वेल एज कन्वेंशनल वारहेड्स, ठीक है। और GMEX ये जापान इंडिया के बीच का इनिशिएटिव है, ये सब ठीक है दोस्तों, INS चेन्नई और ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15 है थोड़ा सा ध्यान रखना, और इंडिजीनस डिजाइंड और कोलकाता क्लास का थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और इक्विप्ड विद वर्टिकली लॉन्च, ये था वो INS चेन्नई जो कि वर्टिकली लॉन्च था, ठीक है। ब्रह्मोस है और इसमें बराकेट है, और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से इसका यूज़ किया जा रहा है, इक्विप्ड विद वर्टिकल लॉन्च एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। तरकश वर्कश जो है रशिया से लिया हुआ सिस्टम है, ये ध्यान रखना, ये टेक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ही है, ये भी स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है दोस्तों। जो 17A करके चल रहा था उसमें भी स्टेल्थ फ्रिगेट थे, ध्यान होगा आपको, और शिपयार्ड इन वे फलाना ढमकाना बेकार की चीज़ें हैं ज़्यादातर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये जापान के साथ में इंडिया के जो एयर फोर्स की शिन्योमेत्री होती है, शिन्योमेत्री अजीब सा नाम है थोड़ा सा इसलिए, और ये धर्मा गार्जियन भी है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखो, बाकी ठीक है चलेगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, ये वही है NCRB और CCTNS का नेटवर्क का एक डाटा बेस का यूज़ करके, थोड़ा सा ये यूज़ करके चल रहा है काम इनका, ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी पुलिस स्टेशन जो है डाटा बेस का यूज़ करके फिर केसेस को सॉर्ट आउट कर लेगा, और क्या है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डाटा बेस ऑन FIRs एंड स्टोलन व्हीकल्स,
एमओयू विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये जो है नेट ग्रिड जो है एक इंस्टीट्यूशन है जिसने एमओयू साइन कर लिया एनसीआरबी के साथ में, जिसमें क्या होगा एक्सेस कर पाएगा अब सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एफआईआर को और स्टोलन व्हीकल्स को। सो ऑल स्टेट पुलिस आर मैंडेटेड टू फाइल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द सीसीटीएनएस एंड एमओयू जो होता है इनेबल्स द नेट ग्रिड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिटेल्स ऑफ द सस्पेक्ट एज मेंशन्ड इन द एफआईआर सच एज बेकार की बात है। एडियो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता असिस्ट आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती कई बार। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड सिस्टम फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए असिस्ट इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इंश्योर करता है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी विद द अल्टीमेट एम ऑफ काउंटर टेरर। ठीक है, अब वापस से वो वैसा इंसिडेंट नहीं हो जैसा 26/11 में हुआ था इंडिया में, वैसा इंसिडेंट नहीं हो, इसलिए सिक्योरिटी को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेट ग्रिड लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है, जैसे आईबी हो गया, ठीक है, रॉ हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, अभी एनसीआरबी की बात करें हम तो एनसीआरबी ये कह रही है कि भाई एनसीआरबी जो है ये 1986 में बनी थी बॉडी, इसमें होता क्या था रिपोजिटरी की तरह बनी ऑफ इंफॉर्मेशन क्राइम एंड क्रिमिनल टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर। ठीक है, इस पर्पज से बनाया गया था। अब एनसीआरटी को सौंप दी गई जिम्मेदारी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इम्प्लीमेंटिंग सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सीसीटीएनएस को की हैंडलिंग जो है एक तरीके से इसको सौंप दी गई एनसीआरटी को, और जो नेट ग्रिड है हमारा वो भी इसको एक्सेस करता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम है जो चल रहा है। ये नेशनल ई गवर्नेंस का प्लान था जिसमें सीसीटीएनएस को मिशन मोड प्रोजेक्ट पे लगाया गया। 15,000 इसमें पुलिस स्टेशन थे, 6,000 जो भी है वो हायर ऑफिसेस थे ऑफ पुलिस इन द कंट्री। सीसीटीएनएस एम ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एनहेंसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग थ्रू अडॉप्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ई गवर्नेंस। तो दोस्तों इतना ही कुछ था जो हमको अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी के करंट अफेयर में पढ़ना था। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में जो सितंबर मंथ में था, मैं कवर अप कर दिया है मैंने इसको सेव भी कर लेता हूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सीरीज़ जो है काफ़ी आपकी हेल्पफुल हो रही होगी और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट का पता चल रहा होगा और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसका आइडिया लग रहा होगा और हम कम से कम टाइम में कैसे जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। हमको स्पीडेड अप करना है, कोशिश करूँगा मैं आज ही जो है जो सोसाइटी है उसके करंट अफेयर की भी वीडियो को लेके आऊँगा, आज ही कम्प्लीट करेंगे। बिल्कुल जितना सितंबर का करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फिर इसके बाद में अक्टूबर के करंट अफेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर का करंट अफेयर पे शिफ्ट होने के साथ में अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे हिस्ट्री की भी जो है जो बेसिक हिस्ट्री का अपने जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर अप करना शुरू करना चाहिए। तो उसकी जो है हिस्ट्री की मैंने आपको पहले जैसा कि बताया ही था, पहले भी बताया था मैंने हिस्ट्री की जो है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट वन और ये पार्ट टू, जिसमें जो है पार्ट वन में क्लास नोट्स है मेरे और पार्ट टू में एनसीईआरटी के नोट्स है, जिनका यूज़ करके मैं आपके साथ में पूरी हिस्ट्री को जो है कवर अप करूँगा। अब दोस्तों मुझे जैसा लग रहा है टाइम कम बचा है और अपने को पढ़ना बहुत सारा है, तो अब स्ट्रीमिंग से लंबी होंगी और जिनको जोड़ना है वो जोड़े, नहीं जोड़ना है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि ये सारी स्ट्रीमिंग का जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि अब आपकी एजुकेशन पूरी डिजिटल मोड में हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होगी कि 2022 के लिए जो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत लाभ मिलेगा इस पूरी सीरीज से। ठीक है, उनको पहले ही पता चल जाएगा कि यूपीएससी की प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, अल्टीमेटली इन एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से की जाती है। ठीक है, इसका पूरा अच्छा खासा एक आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा मुझे जैसी कि उम्मीद है कि जो 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो हम सब मिलकर के क्रैक करेंगे इस बारी। तो दोस्तों
इसी के साथ में तो जो है मैं वीडियो को विराम देता हूँ यहीं पे, और अगर आपने वीडियो को देखा, वीडियो को पसंद किया तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।